सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी बुद्धि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कहि सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मिली मुख माही जल दिलांगी गए चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो य सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर, राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरितास उद्विद देवानो यत सदमिद हृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सत्यमुपसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं पगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यो तद्ग्रावान सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवार्येव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण
देवा हि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।
बाप इस रमणीय भूमि पर शांत सुखाय आयोजित इस नौ दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन की कथा के आरंभ में सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करिणी सीता न तो हम राम वल्लभ उद्भव स्थिति लय करने वाली सर्वश्रेयस्करी क्लेशों को हरने वाली राम वल्लभा सीता को तुलसी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं। जो विषय हमने चुना है इस कथा के लिए उसके बारे में कुछ जिज्ञासाएं हैं, यथावकाश यथामति मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुछ बातें हमारी जानकारी में रहे, आप जरा प्रसन्न चित से सुनिएगा कि जिस मातृशक्ति का हम दर्शन करने जा रहे हैं उसका मूल नाम सीता है। और ये सीता नाम तीन लोगों का दिया हुआ है। एक तो जनक के कुल पुरोहित महर्षि शतानंद, एक मत के अनुसार सीता नाम शतानंद जी ने रखा है। हमारे यहां कुल गुरु कुल पुरोहित नामकरण संस्कार करते रहे, ऐसी एक परंपरा सी रही। एक मत के अनुसार सीता नाम रखा है महामुनि अष्टावक्र ने। जनक के दरबार में जब अष्टावक्र आए और जनक के विद्वान पंडित गण अष्टावक्र के विग्रह को, शरीर की वक्रता को देखकर जब हंसने लगे और अष्टावक्र ने एक चुटकी भी भरी कि जनक मैंने सोचा था कि तुम्हारी सभा में तो विद्वान पंडित लोग बैठते हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सभा में तो चर्मकार बैठे हुए जो चमड़ी को देखते हैं आत्मा को नहीं देखते। किसी आलोचना की कोई कहां कहीं लिखा है कुंभकार बैठे ऐसे कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। खैर, लेकिन उसी समय अष्टावक्र ने कहा कि मुझे जनक तू प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में हो सकता है तेरी प्रज्ञा जाग उठे और मेरी दैहिक वक्रता और है, आत्मिक सरलता और है, उसका भेद तो समझ पाएगा लेकिन तेरे घर में जो कन्या प्राप्त हुई है वो मुझे समझ सकेगी।
और उसी का नाम बिना पूछे मैं सीता रखता हूं। एक अभिप्राय अष्टावक्र कथित सीता नाम है। एक अभिप्राय के अनुसार गृत्समद नामक एक ऋषि हुआ जिसका नाम है गृत्समद ऋषि। उसने जनक कन्या का नाम सीता रखा है। तो मूल नाम सीता है, जनक कन्या के नाते उसका नाम हम जानकी कहते हैं, विदेह की पुत्री के कारण हम उसको वैदेही भी कहते हैं, मिथिला की राजकुमारी के नाते हम उसको मैथिली कहते हैं, पृथ्वी की बेटी के कारण उसको धरणी सुता कहते हैं, महीजा कहते हैं, भूमि जा कहते हैं, पृथ्वी जा कहते हैं, पृथ्वी वल्लभा कहते हैं, राम वल्लभा कहते हैं। अष्टोत्तर शत नाम सीता के ग्रंथों में, 108 नाम सीता। जैसे रामपंथी महात्मा होते हैं, एक पंथ एक समय में सीता पंथी भी महात्मा रहे जो केवल सीता के ऊपर, उसने भी जानकी के विशेष 12 नाम की सृष्टि की है। अवनी सुता भी कहते हैं, लेकिन मूल नाम जो है वो सीता है। इसलिए गोस्वामी जी उसके मूल नाम से ग्रंथ आरंभ करते हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहार, मूल नाम से आरंभ हो रहा। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे यहां सीतायन भी लिखा गया, नीनू मजमूदार साहब ने भी सीतायन, सीतायन जैसे रामायण वैसे सीतायन। तो हमारे ख्याल में पहले यह रहे कि मूल नाम सीता है। मेरा मूल नाम मुरारी बापू है, परम पूज्य मानस मर्मज्ञ विश्व संत प्रातः मध्यान सायं काल स्मरणीय। नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे ध्यान में रहे कि मूल नाम सीता है। और वो भी एक व्यवहार के लिए दिया जाता है नाम, बाकी नाम की क्या जरूरत। ईश्वर के बारे में कहते हैं ईश्वर अनाम है, ईश्वर अरूप है, ईश्वर अव्याख्य है। तो पहले ही तो ये युवान भाई बहन जो बैठे हैं उसके मन में ये बात रहे कि मूल नाम सीता है। उसको सिया भी कहते हैं, सी भी कहते हैं। और सीता शब्द का बहुत अर्थ, उसके बहुत अर्थ होते। मेरी स्मृति में जितना आए भगवत गोमंडल से सीता शब्द के अर्थ, शब्दकोश जो हमारा है, सीता का सबसे पहला अर्थ होता है हल्की नोक के द्वारा किसी खेत में खींची गई रेखा, उसी को कहते हैं सीता। एक रेखा खींची दी जाए खेत में कहीं भी, हल्की, ये जो जवान और बच्चे जो लोग हैं उसने तो हल देखा भी नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि जिस खेत को जोता जाता है
खेड़वामा आवे उसके लिए जो एक लोहे का वो है जो रेखा बनाए उसको गुजराती में चास कहते हैं। चास सीता का सगोत्री शब्द है। चास चास पाड़ियो। और भी कहूं तो उसको चीला भी कहते हैं। चिलो पाड़ियो एक चिलो। लेकिन चीला अर्थ करने में एक परंपरा का भय लगता है। फिर घटना चीला चालू हो जाती है वहां थोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं प्रवाही परंपरा में रुचि रखने वाला आदमी हूं। रामचरितमानस सीता के जन्म की कथा तुलसी ने नहीं लिखी। तुलसी मुझे इसलिए प्रिय है कि तुलसी ने किसी के जन्म के बारे में, किसी के कार्यकलाप के बारे में जहां जहां विवाद है ऐसे हरेक प्रसंग को निवारा, केवल संवाद स्थापित किया। सीता के जन्म की कथाओं में बहुत से वाद विवाद है, बहुत सी बिलक बिलक कथाएं प्राप्य है, तुलसी उसमें नहीं जाए। आशा तो रखी जाती थी कि जैसे राम जन्म का इतना बृहत वर्णन तुलसी करते तो सीता का जन्म की कथा लिखनी चाहिए। नहीं लिखे, मानस में तो नहीं। सीता दो बार रेखा से बाहर आई। एक जनक ने हल से जो रेखा करी खेत में, और जो घड़ा निकला और उसमें से सीता बाहर आई, और एक लक्ष्मण ने जो रेखा दूरी इससे सीता बाहर आई। अब रेखा से बाहर निकलना अच्छा है कि बुरा है, ये दोनों प्रसंग का तुलनात्मक कंपेरेटिव स्टडी। ये जो शिष्ट भाषा में उसको तुलनात्मक अभ्यास कहते हैं। एक रेखा से जानकी बाहर आई, उसके पीछे ऋषि कृत्य है, और दूसरी बार रेखा से बाहर आई उसके पीछे राक्षस वृत्ति है। ऋषि कृत्य इसीलिए कि कृषिकार को भी हम ऋषि कहते हैं। मेरे देश के सभी ऋषि कृषिकार रहे, अन्न पैदा करते थे, कणाद तो एक एक दाना दाना जिस पर से नाम उसका कणाद हुआ, कण 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 कण, पिपलाद नाम हुआ, पीपल के पत्ते का भी सदुपयोग किया जाए, पिपलाद कणाद। इसलिए हमारे यहां प्रास में लोग बोलते हमारी कृषि संस्कृति, हमारी ऋषि संस्कृति, और एक तीसरा प्रास भी लगाए कृषि संस्कृति, कृषि जो विनोद में टाने में कहा जाता है। राक्षस वृत्ति से पैदा हुई सीता, मुझे रास नहीं आती, मुझे रास आएगी सीता ऋषि शक्ति से पैदा हुई। क्योंकि एक बहुत विवादास्पद प्रसंग बिलक बिलक मिलता है। कई लोग कहते हैं सीता रावण की बेटी है। मैं आज तक ऐसे प्रसंगों में गया नहीं, लेकिन मैंने मेरी रुचि पहले आपके सामने रख दी। सीता को कोई भी शक्ति प्रकट कर सकती है, लेकिन वो ऋषि शक्ति होनी चाहिए, राक्षस शक्ति नहीं।
ऋषि शक्ति समर्पण के पक्षधर है, राक्षस शक्ति ये अपहरण की पक्षधर है। सीता की उत्पत्ति में रावण मंदोदरी आपको मिलते ही रहेंगे, बिलक बिलक यात्रा पर कहीं न कहीं टर्न पर रास्ते के मोड़ पर जानकी की उत्पत्ति की कथा में ये दोनों प्राणी दिखते हैं। हम सब प्राणी हैं, जीव है, इसी अर्थ में प्राणी। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, ये प्राणी है हम। सीता की जन्म की कथा तुलसी लिखते नहीं है। मेरी दृष्टि में पहले आप ये सब मेरी जिम्मेवारी से मैं कहना चाहिए, मेरी दृष्टि में आज किसी ने ये भी लिखा है कि बापू सीता ही श्रेष्ठ करी है, राम क्यों नहीं, राम और सीता तो एक है, इसको आप बिलक क्यों करते हैं, ऐसा एक प्रश्न आया मेरे पास। मैंने कहा बिलक किया, मैंने कल भी कहा कि ये वागर था भी संप्रक्त तो है, सीताराम एक है लेकिन लीला में दोनों बिलक है। मैं चित्रकूट में झूले पर बैठा बैठा आपके साथ चाय और गांठिया खाऊं तब बिलक हूं, और व्यासपीठ पर आकर जब कथा कहूं तब बिलक हूं। तत्व एक है, मैं झूलता हूं, एक आदमी मुझे झूला रहा है, मैं गांठिया खा रहा हूं चाय पी। वैसे जानकी और राम एक है। तुलसी कहते हैं गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न, फर्क है तो पानी और तरंग मात्र फर्क है, एक पानी और लहर, बिना पानी लहर नहीं हो सकती। बंदौ सीताराम पद वो अभिन्न है, तत्वतः अभिन्न है, लीला में बिलग है। तो एक भाई का एक प्रश्न रहा कि सीता ने ही श्रेय किया सबका, राम को क्यों आप बिलग कर रहे हैं? नहीं, बिलग करने की बात नहीं, तत्वतः है, लेकिन लीला में दोनों भिन्न है, दोनों बिलग है। आप कथा में बैठे हैं तब और हो, बाद में हम सब तो एक ही तत्व है। लीला क्षेत्र में दो वपु धारण करते हैं, तो सीता की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी, तो मेरी दृष्टि में सीता क्या है वो आप, मेरी दृष्टि में सीता एक व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं। ते ही अवसर सीता तहाई, पैर हैं, पैर में नूपुर पहने, कंकन पहने, एक जानकी, एक एक स्त्री है, एक पात्र है, एक व्यक्ति है। तो जानकी सीता एक व्यक्ति तो है ही, दैवी व्यक्ति, लेकिन इस कथा में मेरी दृष्टि में सीता एक वैश्विक विचार भी है। सीता एक वैश्विक विचार है। क्यों तुलसीकास कहते हैं सीय राममय सब जग, ये पूरा जगत सीय राममय, दोनों मय है। सीता एक विचार है, इसी विचार को केंद्र में रखकर हम संवाद कर रहे हैं। सीता है एक विचार। दूसरा दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि में सीता केवल व्यक्ति नहीं है, सीता एक वृत्ति भी है, और वृत्ति कई प्रकार की होती है। पांच भौतिक शरीर हम धारण करते हैं तो वृत्तियों से मुक्त होना बहुत कठिन है।
जैसे कल हम चर्चा करते थे कि वो साक्षीभूत जो तत्व है वो कुछ करता नहीं और उसके बिना कुछ नहीं, आज सुमन भाई ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, एक वो एक अविकारी तत्व है, अविकारी तत्व है, वो लिप्त नहीं होता है, रहता है, उत्प्रेरक है, दूसरा शब्द आपने यूज किया, उत्प्रेरक है। जिस भगवान राम के बारे में कहा गया सकल विकार रहित गत भेदा, एक ऐसे तत्व की उपस्थिति है जिसके कारण सब बदघट होती है, खुद में कुछ नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कह लो, उसको बुद्ध पुरुष कह लो। पांच भौतिक शरीर हैं तो वृत्तियां आती हैं, इसलिए सीता भी कभी कभी लक्ष्मण के सामने दुर्वचन बोलती है, मर्म वचन बोलती है, जो कल्पना न कर सको ऐसी मांग सीता करती है राम के पास, मुझे मृग का चर्म ला दो। ये वृत्तियों का आना जाना है, इसलिए दूसरी दृष्टि सीता एक विचार है, व्यक्ति तो है, सीता एक विचार है, दूसरा सीता एक वृत्ति है, और मुझे कहने दो तीसरी वस्तु, सीता एक शुद्ध बुद्ध परम पवित्र विरक्ति का नाम सीता है, इससे ज्यादा कोई परम पवित्र विरक्ति नहीं हो सकती जो सीता की है। ठीक कहा हमारी गुजराती भाषा में सारवा सार अवतार। अब विवेकानंद जी का एक वाक्य में आपको कहना, राम कई होते हैं, राम कई बार आते हैं, सीता एक ही होती है, स्वामी विवेकानंद। राम मत्स्य भी हो सकता है, राम कच्छप भी हो सकता है, राम नृसिंह भी हो सकता है, राम वामन भी हो सकता है, राम परशुराम भी हो सकता है, राम राम भी हो सकता है, कृष्ण बुद्ध कल्कि कहीं हो सकता है, सीता एक है। वाल्मीकि ठीक कहते हैं, सीता का चरित्र ही महान है। तो सीता है एक विचार, हम उसी रूप में सीता का दर्शन करेंगे, चिला चालू रूप में नहीं। सीता है एक वृत्ति, सीता है बिल्कुल शुद्ध विरक्ति। सीता है अलौकिक विवेक, इस सीता है लौकिक नोट, अलौकिक विवेक का नाम सीता। तो पांच वस्तु के रूप में मैं सीता को देखना चाहूंगा, व्यक्ति के रूप में, विचार के रूप में, वृत्ति के रूप में, विरक्ति के रूप में, और विवेक रूपा सीता। केवल सीता को वो पुष्प वाटिका में आई, राम के दर्शन किए, एक दूसरे ने एक दूसरे को दिल दे दिया, और फिर माँ पार्वती की स्तुति की, पार्वती ने वरदान दे दिया, धनुष तोड़ दिया, सीता राम मिले, अद्भुत कथा है। लेकिन ये त्रेता युग की घटना है यार, वर्तमान में जिस सदी में हम जी रहे हैं उसमें हमारे लिए सीता किस रूप में उपयोगी होगी, विचार के रूप में, व्यक्ति के रूप में सीता हमें नहीं मिल पाएगी। व्यक्ति के रूप में नाम रख दो अच्छा है, लेकिन वृत्ति के रूप में सीता को हम देखते हैं, विवेक के रूप में, विरक्ति के रूप, तो ऐसी एक सीता जो एक ऐसा तत्व है उसका हम दर्शन करने के लिए, तो उसी सीता के कई अर्थ है। तो पहला अर्थ है सीता मानी
पृथ्वी पर खींची गई किसी लोहे के औजार की नोक से खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। और लक्ष्मण ने बाण की नोक से रेखा खींची, अपहरण हुआ। जनक ने हल की नोक से रेखा खींची, विश्व के लिए समर्पण हुआ। तुम बाण का उपयोग करने चाहते हो कि हल का उपयोग, यह निर्णय करो। 21वीं सदी में परम शांति के लिए हम बाण की नोक से रेखा जगत में बिलक बिलक रेखा देना चाहते हैं कि हल की नोक से, ये हमें निर्णय करने की एक गंभीर, एक आपत्कालीन स्थिति है। कैसे निर्णय करें? तो युवान भाई बहन, यानी कथा में सुनने वाले सब मेरी दृष्टि में युवा नहीं है, मैं कथा में आने वालों को युवा, बूढ़ा कथा में आ ही नहीं सकता। उम्र की बात छोड़ो यार, उम्र से क्या लेना देना। दो तीन शंकराचार्य मेरे से छोटी उम्र के हैं, लेकिन उम्र में छोटे, ज्ञान में कितने बड़े, उम्र का कोई लेना देना नहीं। न च लिंगम न च वयम। कथा कौन सुनेगा? जो युवा चित्त होगा वो ही सुनेगा। युवा चित्त चाहिए। तो एक है रेखा खींचना सीता का, दूसरा अर्थ है सीता में दीर्घ हो तब ये सब, उसी के ही अर्थ है। रस करो तो उसके अर्थ बदल जाते, उसका भी मैं अभी कहूंगा आपको। हमारे तो बात कर लीजिए ना यार आपके साथ। सीता का दूसरा अर्थ है खेत पैदाश। आप किसानी करके जो भी पैदाश करो, जो खेती से उत्पन्न हुआ माल, उसको भी सीता कहते हैं। कपास, गेहूं, बाजरी, हमारे महुआ के अगल बगल में जो होता है वो, नारियल, कुछ भी लो, जो जमीन को जोत करके बीज बोकर जमीन की जो पैदाश है, इस सभी पैदाश को सीता कहते हैं। कविदाद ने एक पंक्ति लिखी कि अजब तासीर छे अहिनी माटी नी, कि अहीं हल चलावो अने सीता निकले। दाद की पंक्ति है, अजब तासीर। वहीं महाभारत वावो अने गीता निकले, अजब तासीर है इस देश की। शब्द इधर उधर है, लेकिन दाद बापू की एक कविता, गजल लिखी दाद बापू। तीसरा अर्थ बाप सीता का होता है धान्य की देवी को सीता कहते हैं। प्रत्येक के हमने देवता कबूल किए हैं ना, वृक्ष के देवता, अन्न के देवता। अन्न को तो हमने ब्रह्म तक कह दिया, अन्नम ब्रह्मेति कह दिया। तो अन्न की जो देवता है, धान्य की जो देवता है, उसको सीता कहते हैं। सीता का एक चौथा अर्थ, सीता को कहते हैं दुर्गा। शब्दकोश के शब्द अर्थ है, मेरी जेब से नहीं है। सीता माने दुर्गा, और सीता का एक अर्थ है लक्ष्मी, एक अर्थ है श्री, सीता का एक अर्थ है रमा। जय राम रमा रमनम समनम,
राम की स्तुति करते हुए राम को कहते हैं रमा रमणम, आप रमा रमण है, तो रमा इस सीता का एक अर्थ। जय राम रमा रमणम समरणम पाप भया शरणागत मागत पाई। और परशुराम जी भी कहते हैं राम रमापति कर धन्ये। रमा मानी सीता, तो सीता का एक अर्थ लक्ष्मी, सीता का एक अर्थ दुर्गा, सीता का एक अर्थ रमा, और सीता का एक अर्थ शांति। सीता शांति समान शंकराचार्य, सीता मानी शांति। पाटल नाम का एक, जो मानस में पाटल जंबूर साल की बात है वो नहीं, एक पाटल नाम का मिथिला प्रदेश में एक एक पेड़ होता है, उसको भी सीता कहते हैं, इसका नाम भी सीता है। सीता का एक अर्थ होता है चंद्र की चांदनी, प्रभा जाय कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तजी। सीता मानी चांदनी। सीता अबे सी ने तमें ह्रस्व करो तो सीता का अर्थ होता है चंद्र, दीर्घ करो तो चांदनी, ह्रस्व करो आपड़े जे खड़ी साकर खाइए छे ने उसको भी सीता कहते हैं। सीता शब्दों की कितनी महिमा हो, शब्द कहते शब्द, शब्दों में क्यों नहीं, शब्द साधना करो, शब्द का व्यापार नहीं, शब्द साधना। ये कवि लोग क्या करते हैं, शब्द साधना करते, ये लेखक गण क्या करते, शब्द साधना करते, वक्ता लोग क्या करते। इसलिए मैं कल भी बोला साधो शब्द साधना की जाए। गहरी नदियां नीर घनेरो, बहुत गहरी नदियां नीर घनेरो, बहुत पानी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भूल जाना इसमें, घनेरो नीर, गहरी नदियां नीर घनेरो, पंछी ने शू पड़ी, एक पलक मां पार उतरे ना जोवे नावड़ी, क्योंकि शब्द में जिनको खबरा पड़ी, जिसको शब्द में खबर पड़ी। धन्य है मेरे देश की मनीषी सत्ता को जिसने शब्द को ब्रह्म कह दिया, शब्द ब्रह्म सहोदर, ब्रह्म सहोदर शब्द। इसलिए मैंने कहा कल एक शब्द भी गुरु बन जाता है, एक विचार भी गुरु बन जाता है, एक ओमकार सतनाम गुरु बन बैठा है। तो चांदनी चंद्र साकर रस्व करो तो सीत का, सीता का एक अर्थ होता है कपूर, जो कपूर हम जलाते उसका नाम कपूर, कपूर मानी श्वेत है कपूर। और आपको बहुत आनंद आए ऐसा एक अर्थ है सीता बा, सीता बा, बा शब्द लगाकर सीता बा, उसका अर्थ शब्दकोश में आया छाश। आप मुझे लिस्ट देते हैं ना भोजन, उसमें सीता भा भी रखना।
शब्द की अपनी महिमा है। साकर कपूर। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा। मंदोदरी, जहां तक संभव हो जानकी के लिए सीता शब्द का प्रयोग, क्योंकि सीता से मंदोदरी की संलग्नता है। सीता की उत्पत्ति की कथा में किसी न किसी मोड़ पर आपको रावण और मंदोदरी की मुलाकात लेनी पड़ेगी। यद्यपि विवादास्पद प्रसंग है इसलिए मैं जाता नहीं, लेकिन दोनों खड़े, एक दो बातें कहूंगा भी। तव कुल कमल, मंदोदरी बोली, हे पतिदेव, आपके कुल के कमल वन को दुख देने वाली ये सीता शीत रात्रि की चांदनी जैसी, शीत ठंडी रात के समान है, ये सीता लौटा दो वरना तुम्हारा कमल कुल नष्ट हो जाएगा। और कमल सूर्य से विकसित होता है। मंदोदरी विदुषी है, वो कहती हैं हमारा कुल कमल कुल है लेकिन सीता का कुल सूर्य कुल है। कमल विकसित होता है सूर्य से, चांदनी से तो मुरझा जाता है, इसलिए सूर्य वंश का आचरण करो। कमल कुल मंदो विदुषी लगती है मुझे। तव कुल कमल दुखदाई, सीता निशा सब सुनहु नाथ। सीता बिरुदी, मंदोदरी कह रहे सुनहु वापस दिए बिना आपका हित न ब्रह्मा कर पाएगा न शंभू कर पाएगा। लौटा दो सीता को हमारे कमल कुल की ये मुरझाने वाली शीत निशा है। तो ये चांदनी है, ये चंद्र है, ये साकर है, ये कपूर है, क्या नहीं है सीता। तो कई रूपों में सीता को हम देख सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सीता की उत्पत्ति की कथा तुलसी ने क्यों नहीं लिखी। हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा भी तुलसी नहीं लिख रहा है, वाल्मीकि लिखते हैं, तुलसी छोड़ देते। छिलके गोटले डीट थोड़ा थोड़ा दाग हो ये सब निकाल कर तुलसी ने चाहा कि मैं विश्व को केवल नगद रस दूं, छिलके निकाल दूं, गुटले निकाल दूं, जो कुछ दाग लगा हो आम के उस पर
इसको मिटा दूं, ऊपर के डींट को निकाल दूं, केवल रस दूं। हरि पद रस, हरि पद रति रस बेद बखाना, रस दे रहे हैं तुलसी। चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, एक रामायण का नाम है अद्भुत रामायण। मैं तीन बातें कहना चाहता हूं, एक अद्भुत रामायण की बात, एक आनंद रामायण की बात और एक देवी भागवत की बात, जहां सीता की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें आई हैं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, अथवा तो सहमत तभी होऊंगा कि मेरे अनुभव में उसका पक्ष बिलग हो। अद्भुत राम नाम ही अद्भुत है, इसलिए सब प्रसंग उसमें अद्भुत है, जो मन से कबूल करना मुश्किल है। कुछ बातें अद्भुत है, उसमें बस मॉडिफाइड है, ओ बस उसमें उसको करेंगे अद्भुत, बस उसके लिए आप कुछ व्याख्या नहीं कर पाएंगे, ओहो ओहो बस वाह वाह वाह। अद्भुत नवरस में से एक रस है। आपने कभी सुना कथा अद्भुत भी होती है, जिसके प्रमाण मत खोजो, उसी क्षण उसी मोमेंट को इसी लम्हे को पी लो, उसी क्षण एंजॉय कर लो, उसमें उसमें मत आगे जाओ कैसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। इसलिए पंडित लोग रह जाते हैं, भगत लोग प्याला भर के पी लेते हैं, पंडित रह जाते। जिसे मैंने कई बार कहा, एक उत्साही कवि नया नया आया, बारिश हुई थी, मैं संध्या के वस्त्र में बैठा था रोज की तरह मिलने के लिए, और बारिश आई तो मेरा मन हुआ कि अभी मिलने वालों को न बुला मैं एक बार नहा लूं, तो मैं हकीकत में नहा लिया बारिश में, फिर वस्त्र बदल कर मैं बैठ गया, तो एक नया नया उत्साही कवि, होशीला कवि, आजकल कविता की होश बहुत हुई है लोगों, बहुत आया, बोले बापू एक कविता सुनानी है। मैंने कहा सुनाओ, बैठिए सुनाओ जरूर। बोले मैंने वर्षा ऋतु पर कविता लिखी है। कविता तो नहीं थी, उसका भ्रम था, लेकिन भ्रम भी तो कभी कभी सुख देता है, सुख देता है, ब्रह्म में भी लोग जी जाते, हम पूरी जिंदगी ब्रह्म में ही जीते थे, ब्रह्म में ही जीते। ब्रह्मतम रवि कर वचन ममा, किसी बुद्ध पुरुष के वचन ही ब्रह्म रूपी तम को मिटाता है, बाकी हम ब्रह्म के अंधेरे में ही जिए जा रहे हैं। ब्रह्मतम रवि कर वचन ममा, तो उसने कविता तो भी आओ रे वरसाद आओ, आपने गमे थे कविता तो कोई आसमां की बेटी है साहब, वो ऐसे नहीं, सीता जमीन की बेटी है तो कविता आसमां की पुत्री है, दोनों का कहीं बीच में मिलन होता है तब रचना होती है रामचरितमानस की। सीता यहां से निकली, कविता ऊपर से आई, ये जोड़कना थोड़ा है। लोग डाल में क्यों ना खोलो, लेकिन कविता कविता होती है। वाह वाह याने पाची, ये लोक कविता अभी मीटर में चल रही है। ए
डरपत मन मोरा दाविन दमक रहन घन माही खल की प्रीति जथा गुजरात में सौराष्ट्र में बारिश हो रही है यार, गुजरात कहीं 12 इंच कहीं 10 इंच कहीं 8 इंच कहीं 1.5 इंच कहीं 2 इंच मारू मन मोर बनी धन गा
घर अर घर अर मेघ घटा गगने कर जाट भरे घुमरी घुमरी कर जाट भरे घुमरी घुमरी कर जाट भरे नव धान भरी सारी सीम झूले नदियों नव जोवन भान भूले नव दिन कपोतन पाक खूले नव दिन कपोतन पाक खूले मदरा मन काई ने मैड सुने हसु बात करे गगने गगने घुमराई ने पागल मेघ घटागर जाट भरे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी कभी तो कहता रिश्ता बांधता है तमे भरवाड़ ना भाणे तोहे मोहे नाते यने मानिए जो भावे तमेव माताश्च पिता तमेव तमे बंधु सखा तमेव तोहे मोहे नाते यने मानिए जो भावे तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो के तमे भरवाड़ ना होश में आया जिसने वर्षा ऋतु का एक गीत लिखा था तो उसने प्रेम से सुनाया तो मैंने मन में कहा कि आप गीत लिखते रहो मैंने वर्षा में ऑलरेडी नहा लिया है। कथा कई प्रकार एक अद्भुत कथा होती है जिसमें वाह उसके सिवा कुछ एक अनुभूत कथा होती है जिसमें वक्ता स्वयं अनुभव में स्नान करके गुजरता केवल कल्पना नहीं वास्तविकता। एक कथा का नाम है अद्भुत एक कथा का नाम है वक्ता की खुद की अनुभूति। जैसे हमारे जैसे को तो नहीं होता लेकिन जैसे शिव है भुसुंडी है उमा कहूं मैं अनुभव अपना अनुभव का है।
केवल कल्पना नहीं, और अनुभव वाला जब कल्पना का चित्र प्रस्तुत करे तो कुछ समय के लिए कल्पना भी आदमी के चित्त को अनुभूत करने की कोशिश कर लेती है, क्योंकि गोली बंदूक में डालकर फोड़ी गई है। गोली नु एक आंखू पड़ी को तुम्हारा ऊपर फेंकू तो कोक ने जरा ढीमणू बीमणू थाय, पर बंदूक में लेने मुकी तो हाथ आठ जना उड़ी जाए। गांधी कहते हैं सवाल है अनुभूति का, सवाल है चरित्र का। तो कथा अद्भुत होती है, कथा अनुभूत होती है। कभी कभी भगवे रंग वाली कथा मेरी समझ में आती है तब लगता है कि कथा कभी कभी अवधूत होती है। फकीरी लेकर कथा आती है, भस्मांग बनकर कथा आती है, वैराग का लिबास में कथा आती, लिबास में नहीं उसकी आत्मा लेकर आती है कथा। कथा लौकिक भी होती है, कथा अलौकिक भी होती है, कथा ऐतिहासिक भी होती है। कथा के कई भेद है। तो एक कथा है रामायण की जिसका नाम है अद्भुत रामायण। सब प्रसंग अद्भुत, वाह वाह वाह, एंजॉय कर लो, मौज कर, अद्भुत रामायण। एक कथा, उसकी एक कथा सीता उत्पत्ति की। उसमें ऐसा लिखा है कि रावण ने बहुत त्रास किया संसार में, बहुविधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कह वेद पुराना, जो उसने आतंक फैला दिया रावण ने। तो ऋषि मुनि और संत महात्माओं का खून लेकर उसने घड़ा भर लिया, और ये ऋषि मुनियों का खून कालांतर में विष का रूप धारण कर लेता है, विषाक्त हो गया लहू, और वो घड़ा वो लंका ले गया। अद्भुत रामायण की कथा में उसमें सीधी सी बात करूं जिसमें मुझे भी कबूल ना हो ऐसी कोई बात मैं आपके सामने नहीं पेश करूंगा। अद्भुत है, बस अद्भुत समझ लो। हकीकत ना भी हो, एक आदमी बस में बैठा था, बार बार खिड़की से कुछ ऐसा करता था, ऐसा ऐसा करता। बगल वाले ने कहा भाई साहब शांति से बैठो, बस जा रही है, खिड़की खुली है, ठीक है ऐसे बैठो, लेकिन ये क्या कर रहे है? बोले बंदर को चना डालता हूं। तो उसने कहा चालू बस में बंदर कैसा? तो बोले चना भी कैसा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, न बंदर है न चना है, बस अद्भुत। ये अद्भुत कहते हैं इसको, अद्भुत। वो जो बगल में बैठा था उसने कहा अद्भुत, न चना है न बंदर है, घटा भी हो न घटा भी हो। तो रक्त का कुंभ भरा, फिर ये गुरुत्स मद ऋषि उसके घर लक्ष्मी ने कहा मैं आपके घर पुत्री के रूप में आना चाहती हूं। सीता लक्ष्मी का पर्याय है, सीता का एक नाम लक्ष्मी, दुर्गा, शांति, ये सब ठीक है। गुरुत्समद ऋषि ने मना किया कि नहीं, मैं त्यागी महात्मा हूं, आप बेटी के रूप में महालक्ष्मी मेरे यहां आओ, मैं आपको बड़ी करूं, और एक तो आप लक्ष्मी और आपकी चिंता मुझे कितनी करनी पड़े, आप चपला है चंचला है और मुझे संभालना, मैं रहा महात्मा। तो बोले नहीं मुझे मुझे मैं आपके आश्रय में आई हूं, मुझे आप पुत्री के रूप में मुझे आपके घर में आना है। तो महात्मा ने वनस्पति का दूध इकट्ठा किया और एक गड़े में वनस्पति का दूध भरा, और गुरुत्समद महात्मा ने
लक्ष्मी को कहा आप इसमें रहो, ये दूध में आप निवास करो। ऐसा कहा। अब समयांतर में रावण को खबर मिली, रावण जैसी जिसकी वृत्ति होती है ना, खोज ही करते रहते हैं, कहा कुछ नया हुआ है, किसी ने मेरे से कोई नया आविष्कार किया है, किसी ने मेरे से कुछ नई चीज खोजी है, तो या तो उसकी खोज मैं करूं या तो न कर सकूं तो छीन लूं, ये इनकी वृत्ति होती है। राक्षस में दो शक्ति बहुत प्रबल होती है, एक तामसी शक्ति और दूसरी रजोगुणी शक्ति। सात्विक शक्ति बिल्कुल न के बराबर होती है। तो वो घड़ा भी वो ले आया और उसने क्या किया, गृत्समद ऋषि ने जो दूध में लक्ष्मी तत्व को आरोपित कर दिया था, वो घड़ा को उसने महात्माओं के रुधिर के घड़े में मिला दिया, दोनों को एक कर दिया। और मंदोदरी और रावण में कायम अनबन रहती थी, सोने की लंका हो तो भी अनबन वगर आमंत्रण आवे, कलह अपने आप आता है। इतनी समृद्धि, लेकिन वो वेद विपरीत आचरण करता था, सुबह में वेद पढ़ता था, ब्रह्मा जी आता था, मंदोदरी को रास नहीं आता था। एक और वेद पढ़ना और एक और वेद विरुद्ध आचरण करना, पति का उसको रास नहीं आता, तो दोनों में थोड़ी खटमीठी होती रहती थी, होती रहती है सबके जीवन में। एक दामाद ने अपने ससुर से कहा कि पापा, ससुरा ने जे पापा कहे ने मने जराय फावतो, एने पापा शु काम कहो छो, एने कोने वडील केम छो, केम चाले छे वडील, एम कोने कतो अंकल को लियो ने अंकल, पापा घना बापूजी, बापूजी तारे घरे उधरस खाई छे, एने हळदर वाळू दूध पीवडाव्यु, तू बापूजी ई छे, आ सेनो बापूजी तारो, पण पापा 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 पगली पाडतो एम एम। तो दामाद ने कहा कि बापूजी, तुम्हारी बेटी ने मुझे यहां ला दिया है, हुआ क्या? अरे हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हारी सुपुत्री ने मुझे यहां ला दिया। बेटा तूने तो मेरी बेटी से शादी की, लेकिन मैंने उसकी मां से शादी की, तू कल्पना कर, चरण स्पर्श कर इन योग्य लो जमा बापू जी, बेटी ऐसा कर सके, उसकी मां। तो रावण के वेद विरुद्ध आचरण के कारण मंदोदरी ने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। समाज को प्रार्थना करूं कि परिवार में कभी भी अनबन बने, कुछ कलह हो जाए, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाए तो आदमी को इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए कि कोई आत्महत्या करे। आजकल युवानी में ये बीमारी आ गई है, डिप्रेस होना आत्महत्या के, और कभी कभी तो ये आत्महत्या का प्रयास या तो उसमें स्त्री चरित्र होता है या तो पुरुष चरित्र होता है। पांच वस्तु को दुनिया में कोई जान नहीं पाता, एक सुभाषित है, नृपस्य चीतम, राजा के चित्त को कोई नहीं जान पाता। जो शासक होता है, सच्चा पॉलिटिशियन जो होता है, उसके मगज में क्या है किसी को पता ही नहीं लगे, हूं काट से ही खबर न पड़े।
लेकिन हमणा जे काट्यू कोई ने सपनू ही नहोतू। जिमे मन मात ये क्वालिटी है राजनीतिज्ञ की, ये आलोचना नहीं। राजा के चित को कोई जान जाए वो ठीक नहीं। राजा सबके साथ संबंध रखे लेकिन उसका चित कोई जान न पाए। अग्नि पुराण में लिखा है राजा वो है जो प्रजा को, एक मां गर्भ में शिशु को पाले वैसे अपनी प्रजा को पाले, उसको अग्नि पुराण राजा कहता है। सोचो तो नृपस्य चीतम, राजा के चीत को, और कृपणस्य वीतम, लोभी के धन को किसी की खबर न पड़े। कंजूस के पैसों, परमात्मा भले सर्वज्ञ हो, बाकी कंजूस के पैसे के बारे में भगवान जो रिपोर्ट दे तो मान। लोभी के पास कितना पैसा है ईश्वर भी नहीं जान। नृपस्य चीतम कृपणस्य वीतम मनोरथम दुर्जन मानव, दुर्जन मानव प्रमादी आदमी बैठा बैठा मनोरथ करे, उसके मनोरथ की किसी को पता ही क्या, क्या मनोरथ करे, करे उड़ा दे, करे उड़ा दे, मनोरथ करे भरूच जाए भरूच, सुकाम भरूच भरूच जाए, फिर बैठा बैठा अकेला अकेला नहीं, हम आंगली अलग नहीं, कोने ना पाड़तो से मारो नाक जान, नहीं 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 भरूच नहीं जाना, मुंबई जाए बाहुबली देखे, नहीं 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 जाना, इधर जाए उधर जाए, दुर्जन के मनोरथ का किसी को पता नहीं लगता। नृपस्य चीतम कृपणस्य वीतम मनोरथम दुर्जन, और स्त्रिया चरित्रम, स्त्री का चरित्र केवल मैं बहनों को नहीं कहूं, इसमें मनोरथ दुर्जन मानवाना ये पुरुष पुरुष को लागू होता है, क्योंकि बहनों को न लगे कि स्त्री चरित्र की बात, ये पुरुष है, राजा पुरुष है, मनोरथ लोभी पुरुषवाचकता समझ, बहनों को ही ना लगे, बाकी स्त्रिया चरित्रम, स्त्री का चरित्र, यानी हमारा काठियावाड़ी भाषा में ओहटो के, ओहटो कारण वगैरह कलह करे, ये वो सूर काटे कांपी काटे अपने फाड़ पड़े के मरी गया, लोचा बड़े पेट में अपन, कयो सूर काढे खबर न पड़े, इसको हमारे सौराष्ट्र की बोली में ओह टोके, नहीं कलह हो जाए बाप, अनबन हो जाए, आत्महत्या का वहां तक नहीं जाना चाहिए। युवान भाई बहन, जब दुनिया का दाम्पत्य बिगड़ता जा रहा है ऐसे समय में मैं आपसे प्रार्थना के रूप में निवेदन करता हूं, त्याग की स्पर्धा करो। किसी ने दो शब्द कह दिए, चलो जीवन मूल्यवान है, जिद मूल्यवान है, मूल्यवान क्या है, जिद कि जीवन, और अहंकार जिद को मूल्यवान समझती है, मैं कैसे पीछे हटूं, मैं कैसे पीछे हटूं, छोड़ो जिद, तुम कैसे गुनगुनाएं।
जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था। मुश्किल में पड़ गया हूं आसानियों के साथ। लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही। युवान दोस्तों, भाइयों बहनों, लाजिम जरूरी नहीं कि सब सफल हो। लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब। जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, असफलता के साथ। विल फाइंड अ वे। एक कदम और। एक कथा से पवित्रता और प्रसन्नता ना आई तो एक कथा और। आगे बढ़ो। तो बाप, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष मात्र का भाग्य। सुभाषितकार कहते हैं, देवता भी नहीं जानता कुतो मनुष्य। मनुष्य बेचारा क्या, पांच चीज को जानना मुश्किल है। हम मानस न पढ़े तो चिंता नहीं। मैं जिद नहीं करूंगा कि तुम रोज मानस पढ़ो, गीता पढ़ो। पढ़ो तो मैं प्रणाम करूं। तुम तिलक न करो तो कभी भी मैं आग्रह न करूं। न करो कोई चिंता नहीं। मानवता के यज्ञोपवीत पहनो। नागर बोलियो, गणतरी ना धागा पहनवानी जरूर नहीं। मानवता की यज्ञोपवीत धारण की हो कोई जरूर, लेकिन इंसान अपने परिवार में एक दूसरे से कपट न करे। पति पत्नी से कपट कर रहा है, पत्नी पति से कपट कर रहा है। बाज आओ। साधन तो मिल जाएंगे, शांति का क्या? लक्ष्य क्या है? जीत। लक्ष्य क्या है? मूढ़ता। लक्ष्य क्या है? अहंकार। मैं क्यों पीछे हटूं? यही लक्ष्य है? नहीं, जीवन मूल्यवान है, जीवन महिमावंत है। तो होती है अनबन। और ऐसे समय में जो जिम्मेवार लोग हैं, उसका कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है कि उसमें से कैसे रास्ता निकाले। हाथ ऊपर उठा लो वो ठीक नहीं। या तो पूर्ण शरणागति हो तो बात और है, तो तुम्हारा हरि करेगा। लेकिन जहां से छटक जाना वहां हाथ ऊपर उठा दो, और जहां अपना हो वहां शरणागति के ऐसी तैसी, ये नहीं चले। कलह कलह कलह, ये क्या है? कपट। अल्लाह ने उम्मीद पूरी की तो अगली साल की पहली कथा हम 800 कथा में प्रवेश करेंगे। अब तो मेरी कथा की इज्जत बढ़ाओ। कपट एक दूसरे का कपट। राम ने क्या कहा मानस में? राम ने इतना ही कहा कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि कहते जहां कपट न हो, तिलक किया हो उसके हृदय में बैठा राम बैठो, ऐसा लिखा ही नहीं। ये तो हम लोग बोलते हैं, बणगा फुकिए जी। वाल्मीकि ने तो कहा जहां कपट न हो वहां तुम बैठो, जहां दंभ न हो वहां तुम बैठो, जहां पर्दावाद पर्दा न हो वहां तुम। कितना प्यारा जीवन है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों बिगाड़े जा रहे हैं। तुम्हारी मुट्ठी में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, क्या बाकी है? कलयुग ने क्या नहीं दिया है? अस्तित्व ने क्या वरदान नहीं दिया है?
और हम त्यागो, एक दूसरे के लिए त्यागो। बीमार रुग्ण चित छोड़ो, हमें थाकी गया चाहिए, नहीं थाके आपड़ो दुश्मन ए मेरी। यार मुझे ये नहीं गाना था, आपने बीच में से उठा लिया। ठीक चलो, आपकी उम्मीद पूरी करो। गलत अर्थ में मत लेना, इधर उधर मत गाना, फिल्म में जो गाया गाया, अध्यात्म के मार्ग में तुम हसीन हो, तुम खूबसूरत हो। मैंने शुरू में कहा, कथा में आने वाले बूढ़े नहीं होते, जवान ही होते। तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझसे कुर्बान मेरी सिंह के बच्चा भेड़ के साथ चला गया। जन्मते ही सिंह का बच्चा भेड़ के साथ उछल, तो वो भूल गया कि मैं शेर हूं। तुमको मालूम नहीं, आपको और मुझे पता नहीं कि हम आत्मवान है। गलत अर्थ में मत लेना साहब, मेरा इरादा साफ है, मैं इसी अर्थ में उसको लिए चलता हूं। आप बूढ़े नहीं है, लम्हा पकड़ो। तो अभी तक है हंसी और कुर्बान मेरी जान, ये सो की जाए जो तुझे जो तुझसे तू बनाने का, एक दूसरे को जोड़ने का, संगम करने का, जो तुम्हारे पास विद्या है कहीं नहीं, जो रामायण में। जो जो तुझ में मैं तेरी चांदी में बिकते हैं, सोने चांदी में दिल बिकता है, बाप जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हो। न राम तिलक चाहता है, न राम कोई गणवेश चाहता है, न राम माला घुमा वो ऐसा चाहता है। राम कहते तुम्हें कपट न हो, दंभ न हो, आडंबर न हो,
कितने पाखंड में हम जिए जा रहे हैं। कोई भी पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, क्या खाक अच्छा है, हमारा बाधीन आयो छो घर माती क्या क्या अच्छा। इमिग्रेशन में ऑफिसर तुम्हारे सामने मुंह चढ़ाकर अकारण 5-7 प्रश्न पूछे तो समझना घर में बीबी से लड़कर आया। ये गुस्सा हमारे पर डालता है, क्यों आए, कितने दिन रुकोगे। अरे भाई मूक ने मुझे पूछा कितने दिन रहोगे, 15 days, 15 दिवस रहीशु। अच्छा क्यों आए हो, दिस इज माई लेक्चर टूर। બે વાક્યમાં તો એમ લાગ્યું કે હા આને બોલાવવા જેવું નથી, આ બધું જાણે છે, મેં કેવલ આપકે લીએ દેશ સે બહાર આતા હું, બાકી વિદેશ કી કથા આતી હે, મેં 8 દિન પહેલે મેરા મન પીડિત હોતા હૈ કે મેં ક્યું જાઉં દૂર, ઇતના દૂર ક્યું જાઉં, મૌસમ ઇતની ભીગી હૈ હિન્દુસ્તાન, और हम क्यों जाए, लेकिन केवल और केवल मेरे फ्लावर्स के लिए आता हूं। अया चेक करें तुम्हारा चप्पल मुकी दियो आ डब्बा में, नीला पड़ता रहे हूं तो मारी पादुका काढ़ी मुकी दो, तू लई ले जब दाणी भाई लई ले छे, हम ले ले, तू ले ले, ले। પાદુકા માટે બધા મને કે અમને લેવા દો, એમાં કાંઈ નથી, તમે લો કે હું લો, દાણીભાઈ લે છે, હવે એને એને એક એક ભાવ છે તે લઈ લે, એમાં બધું બગડી શું જાય। ઘણા લોકો તો મારી પાસે કથા માંગે તો એમ કે પાદુકા અમને લેવા દેવી પડે, હવે જા તું, કાં તો એમ કહું યજમાન અને દાણીભાઈ બે એક એક લઈ લે યાર। જીદ છોડો, મૂળ વસ્તુ કો પકડો, તો રાવણ ઓર મંદોદરી મેં અનબન હોતી થી, તો કઈ બાર ઉસને આત્મહત્યા કા પ્રયાસ કિયા, ઇસમે એક દિન મંદોદરી ને ये रावण द्वारा संतों का खून जो इकट्ठा किया था वो, और गृत्समद ऋषि ने जो दूध में लक्ष्मी को आवास दिया था वो दोनों एक कर दिए गए थे। सोचा कि ये जो रक्त है वो गरल जैसा हो चुका है, विषाक्त हो चुका है, तो मंदोदरी ने सोचा मैं पी जाऊं और मर जाऊं, उसने पिया। लेकिन केवल महात्माओं के खून जो विषाक्त रूप धारण कर चुका था वो ही पीती तो शायद मर जाती, लेकिन वो महात्मा का दूध वाला जो हिस्सा था वो पीने से उसमें चिकित्सकीय गुण पैदा हो गए थे, एक औषधीय गुण पैदा जो उसने बचाए रखा, और उस पीने से एक कन्या का जन्म हुआ। अद्भुत रामायण कहती है, वो कन्या जब देखी मंदोदरी ने, ये कन्या तो रावण तो मार देगा, रावण की कन्या नहीं है ये, उस कुंभ से निकली है कन्या, उसी के कारण उस मिश्रण से जो मंदोदरी को चमत्कार हुआ उससे कन्या की प्राप्ति हुई। फिर कहते हैं इस कन्या को लेकर उसको मिथिला प्रदेश में भूमि में गाड़ने को कह दिया, इस कुंभ को वहाँ गाड़ दिया जाए, और अकाल का समय आया, उस समय हल जोतना खेत जोतना प्रारंभ किया, और वही जीर जो निकला तो जो लक्ष्मी का जिसमें वास था और ऋषि मुनियों का जो
खून था, इसी में से सीता प्रकट, राक्षसी शक्ति से सीता प्रकट नहीं होती, ऋषि शक्ति से सीता प्रकट होती है। और मेरी रुचि, मेरा रस, मेरा आकर्षण राक्षसी शक्ति से तत्व पैदा हो उसी में नहीं, ऋषि शक्ति से पैदा हो उसी में। तो सीता के जन्म की एक कथा, इसलिए लोग, कई लोग पूछते हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता कभी कि सीता रावण की बेटी है कैसे, कुछ जैन रामायणों में किसी ने कुछ ना कुछ कथाएं डाल दी है, उसमें न जाए। ये अद्भुत रामायण का ही प्रश्न, उसमें मूल तत्व ऋषि का है, इसमें मूल तत्व लक्ष्मी का है। देवी भागवत में एक पार्ट ऐसा भी मिला कि उसमें तो जब रावण और मंदोदरी की शादी हुई, मंदोदरी सुंदरी थी, बड़ी ललाम महिला थी, बहुत सुंदर थी, रावण ने उसके साथ शादी की चाह, तो उसको सावधान कर दिया गया कि इस स्त्री से एक कन्या प्रकट होगी, वो कन्या तेरे नाश का कारण बनेगी, तो ब्याह न करो। रावण ने अनसुना कर दिया और फिर ब्याह हुआ। उसमें से एक शक्ति तत्व प्रकट हुआ जो जो नियति थी, नियति के कारण, और हर प्रसंग में मिलता है कि वो कुंभ फिर वहां गाड़ दिया, फिर वो कुंभ गाड़ दिया, फिर उसमें से जोतते समय जो प्रकट हुआ वो सीता है। एक आनंद रामायण है, जैसे अद्भुत रामायण वैसे आनंद। उसमें एक प्रसंग है, वेदवती कन्या का। वेदवती, सीता का एक नाम वेदवती है, सीता का मूल, सीता का मूल जो स्वरूप है वो वेदवती है, ये आपने सुना होगा। वेदवती तपस्या कर रही थी, एक पैर कड़ी तपस्या। रावण तो स्वतंत्र घूमता रहता था, बेफाम घूमता रहता था। तो एक सुंदर वेदवती को तपस्या करते देखा और रावण ने उसके साथ बोलचाल में कुछ अभद्र व्यवहार किया, और अभद्र व्यवहार के कारण वो एक जो तपस्विनी थी वो एकदम आक्रोश में आ गई और अपनी चेतना को एक घड़े में विलीन कर देती है। और वो रावण को डर लगा कि ये घड़े को मैं लंका ले जाऊं, और घड़ा लंका ले गया। कुतूहल वश मंदोदरी और रावण हर मोड़ पर मिलते हैं, सीता की उत्पत्ति में हर एक टर्निंग पॉइंट आता है, वहां वो खड़े हैं। फिर मंदोदरी ने सोचा कि ये तो कोई परम शक्ति तत्व है, उसको तो वो मार डालेगी, इसलिए फिर मंदोदरी ने एक कुंभ एक कलश मिथिला की, ऐसी ऐसी कुछ कुछ कथाएं प्राप्त होती है। लेकिन उसमें वो रावण की बेटी है कि मंदोदरी की बेटी है, उसी पक्ष में मेरी व्यासपीठ नहीं है। मेरी व्यासपीठ केवल उसी पक्ष में है कि ये ऋषि चेतना है, ये लक्ष्मी चेतना है, ये दुर्गा चेतना है, उसी में रुचि। फिर तो उसका विस्तार भी हुआ, क्योंकि मूल कथानक पकड़कर अन्य धर्मावलंबी लोगों ने खबर नहीं अपने मन घटित कथाएं जोड़ दी, उसमें ऐसा हुआ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं। परिश्रम से निकले वो शक्ति सही है, चमत्कार से निकले वो शक्ति नहीं, परिश्रम से निकले। जनक ने किसानी की, परिश्रम किया और सीता प्राप्त हुई, इसी से प्राप्ति हुई। तो मेरी रुचि और मेरा रस उसी में है कि परिश्रम से जो सत्य प्रकट हो, चमत्कार में ऐसा हुआ, गड़ा हुआ, फला हुआ, इसमें से हुआ, ये सब अद्भुत कथाएं होती है, ऐसे 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 हो गया, बातें बनती है। तो एक विचार के रूप में सीता का दर्शन करें,
एक वृत्ति के रूप में सीता का दर्शन करे, एक विरक्ति के रूप में सीता का दर्शन करे, और एक विवेक प्रज्ञा के रूप में माँ सीता का दर्शन करे, जो हमारे निकट पड़ेगा, हमारे पास पड़ेगा। एक कथा तो ऐसी भी मिलती है कि जानकी जब छोटी थी तो जनक के बाग में घूमती रहती थी सीता। तो एक तोता और तोती सीता राम की बातें करते थे आपस में, तोता तोती। एक बार सीता ने इस तोता तोती को पूछा कि आप ये राम कौन है, उसकी कथा कहते हैं। सीता तो मैं हूं लेकिन ये राम कौन है, उसकी कथा सुन। तो उसने कहा, हमने वाल्मीकि के आश्रम में दाने चुनते चुनते कथानक सुना, हम वाल्मीकि के तोते। और कथा कहती है, सीता ने तोते और मैना को, तोते और तोती को कनक पिंजरन स्वर्ण पिंजरे में पाला। उसी समय तोते ने कहा, मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूं, मैं बंधन में न रहूं, मुझे मुक्त करो। तो हमें छोड़ो। जानकी कहती है, नहीं नहीं, आप रहो। बोले हाँ, वो राम आपको मिलेगा, आप उसको मिलेगी, ऐसी कथा हमने वाल्मीकि जी से सुनी है, तो मैं छोड़ो। तो बहुत जिद किया ना, तो उसके बाद वो तोता उड़ जाता है, लेकिन तोती मादा जो थी वो नहीं उड़ पाई। और सीता ने उसको कहा कि तुम तो रुको, और वो बेचारी बहुत जार जार रोती है, प्रार्थना करती है, मुझे मुक्त करो, मेरे पति के पास जाने दो। मैं बीच में ये भी कहूं कि व्यक्ति को सत्संग करने के बाद ये विवेक को बहुत समझना, समझ कर रखना चाहिए कि दूसरे की स्वतंत्रता और दूसरे के स्वभाव पर हमला मत करना। विवेक से समझाओ, लेकिन हर एक व्यक्ति तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही करे, ये जिद छोड़ो। बाप जिद करता है मेरा बेटा मैं कहूं ऐसा ही, ये एक गलत है। वो उस स्वतंत्र चेतना लेकर आया है। खलील जिब्रान कहता है, ये तुम्हारा बेटा बेटी नहीं है, तुम्हारे थ्रू आए हैं, ये तुम्हारे नहीं है। दूसरे की स्वतंत्रता पर तराप न मारो, विवेक से, प्यार मोहब्बत से उसको समझाओ। माँ बाप कहते हैं, हमारे हमारे बच्चे अब किसी की मानते नहीं, उसमें हमारा दोष है। पहले से इतना प्यार मोहब्बत देकर तो इतने श्रृंखल नहीं हो सकते थे। बाप तो तोती बलवा करती है और आखिर में तड़प तड़प कर मरती है। मरते समय कहती है, सीते मुझे तूने पति के वियोग में तड़पाया, सगर्भा स्थिति में। तेरी स्थिति एक बार ये होगी कि सगर्भा स्थिति में तुम्हें भी राम से दूर कहीं जीना पड़ेगा, और तुम्हें ये स्थिति ऐसी एक शास्त्र में है, मुझे खबर नहीं, लेकिन एक कहानी के रूप में मैंने सुना है, तो केवल सुना दिया आपने। वो कर्म का सिद्धांत तो सबको लागू होगा। ईश्वर को कर्म का फल मिलने पर उदासीनता नहीं आती, वो रोता नहीं हमारे समय। बाकी मानव देह धारण करके आते हैं तो कर्म का फल उसको भी भोगना पड़ता है, यद्यपि वो अंदर से जानते हैं, नमे कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लेलिप्यमान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किसी कर्म और किसी कर्म फल में स्पृहा नहीं है। नमे कर्म फले स्पृहा। तो बाप, ऐसी एक कथा भी प्राप्त होती है,
बाकी रावण की बेटी, मंदोदरी की बेटी, ये ऐसा कहीं ऐसी किताब ये कि सीता को पेटी में डालकर फिर बहा दिया फला फला फला, ये ऐसे ऐसे समान रूप में ऐसे कथानक बहुत मिलते, एक दूसरे ग्रंथों का एक दूसरे ग्रंथ पर असर भी मुझे दिखती है कि ऐसी कथाएं समांतर रूप। महाभारत के बाद जितनी भी कथानक आए हैं उस पर महाभारत की असर रही, इसलिए जैसे कर्ण को पेटी में बंद कर बहा दिया ऐसे कई हमारे पात्रों को पेटी में बंद कर बहा दिया, ये असर है ग्रंथों की दूसरे ग्रंथ पर बहुत असर रहती। तो बाप सीता की उत्पत्ति के बारे में तुलसी मौन है, बोलते नहीं, क्योंकि तुलसी को पता था कि मैं जो कह दूंगा वो शास्त्र बन जाएगा और फिर कहीं गलत बात लोगों के दिल में न जाए, इसलिए विवादित बातों में तुलसी न गए। और मैंने भी आपके सामने बहुत हम चाली चाली ने हम काकरा बाकरा बता मूल तो मैं वाँचो तो तुम्हारो अक्कल काम नहीं करे, એટલે મેં બધું આ બધું આમ લોટ તો લોટ જ હોય તો એ બહેનો આમ આમ ચાળીને પછી ભાખરીનો લોટ બાંધે, એમ મેં આ ભાખરી આમ આમ બધું કરી અને દૂધ નાખીને આ ભાખરી બનાવી એટલે તમને પાચક બને અને સીતાભાની સાથે તમે ખાઈ શકો, સીતાભામાની છાશ तो बाप। वरना सीता की उत्पत्ति की कथा क्यों ना लिखे तुलसी, मेरी समझ में नहीं आता। हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा क्यों ना लिखे, मेरी समझ में नहीं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में भी शंकर सुवन एक जगह का वो शंकर का बेटा है, दूसरी जगह का केसरी नंदन केसरी का बेटा है, वही का अंजनी पुत्र अंजनी का बेटा है, पवन सुत नामा पवन का पुत्र, सब तुलसी का है। हनुमान चालीसा में लिखो, बाकी उसका स्वतंत्र निरूपण मैं करने वाला नहीं। हनुमान जी की उत्पत्ति के मैंने आपको हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई, लेकिन ये मूल पार्ट वाल्मीकि का है, वाल्मीकि के द्वारा। यद्यपि ये रावण की बेटी बेटी ये जो बात है वो वाल्मीकि भी कबूल नहीं करते हैं, ये अद्भुत रामायण आदि रामायण उसी में उसमें कई रामायण है यार, कई रामायण। तो सीता एक तो मूल नाम इस परम शक्ति का सीता है, सीता शब्द के कई अर्थ है और सीता की उत्पत्ति के बारे में कई ऐसी 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 कथाएं, लेकिन इन कथाओं में विवादों में मत जाना, बस एक साधक के परिश्रम से जो चेतना प्रकटी उसी का नाम है सीता, जिसने उद्भव स्थिति संहारकारिणी रूप लिया, क्लेश हारिणी का रूप लिया, सर्वश्रेयस कर सबका श्रेय करने का संकल्प किया, न तो हम राम वल्लभाम
का एक विचार लेकर हम और आप संवाद कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आपकी कुछ जो जिज्ञासाएं हैं उसको मैं यथावकाश कोशिश करूं। बापू, आपने एक बात बताई थी कि एक युवक को पूछा ये बनी घटना कि भाई आप कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग कितना बढ़ा आपका, आप कितने आगे बढ़े। तो इस युवक ने जो जवाब दिया मुझे बहुत प्रिय लगा, तो मैंने कथा में उसको सार्वजनिक किया था। उस युवक ने ये जवाब दिया था कि सत्संग से मेरा विवेक कितना बड़ा, मैंने आध्यात्मिक तरक्की कितनी की मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझे इतनी खबर है कि मेरा कुसंग कम हो गया। ये बड़ी उपलब्धि है। बढ़े क्या अल्लाह जाने, लेकिन कुसंग का कम हो जाना ये मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने पूछा बापू, कुसंग यदि सत्संग का रूप लेकर आए तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार, गुजराती में लिखा है, मैं हिंदी कर रहा हूं, उसके साथ कैसा व्यवहार करे उसके बारे में कुछ है। उसके साथ और कुछ नहीं, उपेक्षा भी न करे, स्वीकार भी न करे, उदासीन होकर वहीं से गुजर जाओ। क्योंकि बेकार वस्तु में अपनी चैतसिक ऊर्जा खर्चना सयाने आदमी का काम नहीं है, क्यों जाए उसमें। गोस्वामी जी का स्पष्ट उत्तर है, उदासीन नित रही गोसाई, उदासीन। सत्संग का रूप लेकर कुसंग आया है, यदि आपको यह पता लग गया, मैं उसको उपलब्धि समझूंगा कि आपको पता लग गया कि यह सत्संग का रूप लेकर कुसंग आ गया है, तो फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं,
आप खुद को हट जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जान गए। जब तक रावण सन्यासी के वेश में आया और जानकी जान नहीं पाई, तब तक सीता उसका स्वागत करती है, अतिथि देवो भव करती है। लेकिन वो सन्यासी के वेश में सत्संग के रूप में कुसंग आया और जब जानकी को पता लग गया कि ये यति नहीं है, ये कोई दुष्ट है, उसी समय जानकी जी अपना रुख बदल लेती है। वहां तो सीता आक्रोश में कुछ बोली भी, लेकिन सीता का विचार यदि पकड़ो तो हमें उदासीन हो जाए। उसको जवाब ऐसे दो कि तू सन्यासी हो गया, मैं उदासीन हो गया, यही जवाब है। तू सन्यासी बनकर आया ना, मुबारक तेरा सन्यास, मैं संसार में रहते हुए उदासीन हो गया। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। पहचानने के बाद एक बार, एक छोटा बच्चा भी एक बार चाय के कप को छू लेता है ना, तो हर बच्चा कहेगा, अब बताओ चाय गम 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 कर, गरम 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 करेगा, क्योंकि जान गया है कि ये जलाएगा। छोटे छोटे बच्चे क्या ये गरम नहीं बोलेंगे, गम 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 गम। जान लिया सच क्या है, नहीं जाने तब तक वो चाय में हाथ डालेगा। तुलसी उसका दृष्टांत देते, गहि शिशु वच्छ अनल अहित। बालक वाछड़े को वछड़े को पकड़ने जाता है, सांप को रस्सी समझकर पकड़ने जाता है, अग्नि समझकर पकड़ने जाता है। जब जानता नहीं तब तक मां रक्षक है, लेकिन जान जाता है तो वो गम 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 करके दूर हो जाएगा। बच्चे की बोली में बहुत प्यार आता है, इन तुम पंखो बोला तो खंभो, खंभो ने पंखो हमें क्या लेवा दिया, खंभो 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 चालू कर, खंभो खंभो। बालक की बोली, न व्याकरण है न भाषा शुद्धि है, केवल चेतना चेतना से बात करती है, कोई भी भाषा का लिबास बिना पहने केवल बात कर लेती है। यदि आपको लगे कि कुसंग सत्संग का रूप लेकर आ गया है तो उदासीन नित रहिए गोसाई, मेरा तो इतना ही मानना है। आप कल्पना करो, मैं एकदम एकदम दुनिया में घूमता रहता हूँ, मुझे कितने लोगों को मिलना पड़ता है आप कल्पना करो, और कितने लोग मुझे मिलते हैं आप जानते हैं। अब मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक प्रमाणिक डिस्टेंस रखा जाए, असंगता, जो अविकारीपना, केवल उत्प्रेरक बनो, तुम्हारा होना काफी है। ध्यान रखना पड़ता है ना, ताकि आनंद में रह सके, बाकी तो लिप्त हो जाए ना। कई प्रकार के लोग आते हैं यार, कितनों जाड़ों को पड़े यार। ये लोग मेरे से कथा ले जाते हैं, फिर अंदर अंदर लड़ते हैं, उसको इस कमेटी में रखा था उसने काम नहीं किया, उसको इसने रखा, यहाँ कभी मत यहाँ ऐनू नहीं कोई सिर पर मत लेना, यहाँ तो सुचारू, लेकिन लड़ते हैं। फिर मेरे पास आते हैं, बापू मैं तो थक गया, हमने ये किया। मैंने कहा ये पॉलिटिक्स करना था तो मेरे से कथा क्यों मांगी, हूँ कहीं नवरो छू, हूँ नर्वो छू, तुम्हारे पॉलिटिक्स करवू हो तो मुझे मेरे से कथा क्यों मांगते हो। अकारण कमेटी खर्च कर देते हैं, फिर शिकायत करते बहु खर्च होते, तुम्हारा बापा ने पूछी न करवो तो क्यों यार करते हो। मेरा खुला ऐलान है, कर्जा करके भी कथा मत करवाना, तुम्हारे बेटी बेटियों की पहले शादी करो,
तुम्हारे पर बैंक का कर्जा हो पहला पूरा करो, डाकोर जी ने पूनम न भरो बैंक ना हफ्ता भरो। एक दूसरे का शोषण करने की, सत्संग करने की जरूरत क्या? वो सत्संग के रूप में कुसंग हो जाएगा। सोचो, मैं बहुत बहुत साफ हूं। ये कथा कराने की जो समूह में कुछ लोग कथा करते ना इकट्ठे होकर, तो ऐसा भी आने आटलो खर्चो करो, आने आम करना क्यों, आने आम थी क्यों, आम थी ए मारा पास है, तो मैं आटलू आटलू दौड़ी दौड़ी तुम्हारा माटे आवीन पे तुम्हें आवी फरिया तो करो रहवा दो ना, क्यों ये सब करते? ये यहाँ कुछ नहीं है भाई, नरेश भाई, रसमुख भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, जेटला फलाना भाई, वही बता। यहाँ तो प्रभु की कृपा है, लेकिन मेरे अनुभव बोल रहे हैं, ये मैं जानता हूँ ये सब क्यों। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय श्वान की नाई। दुष्ट को कुत्ते की तरह छोड़ दो, ये जरा अच्छा वाक्य नहीं है? खल को कुत्ते की तरह छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है? लेकिन कुत्ते को गंध आती है कि ये ठीक नहीं है, और वो हमें छोड़कर निकल जाता है। वैसे तुम गंध आ जाए कि ये कुसंग है, तब तुम निकल जाओ। उदासीन नित रहिए गोसाई। एक और प्रश्न, ये तो सुमन भाई ने जो अर्थ निकाला बड़ा प्यारा वो है। प्रश्न पूछा है, बापू आपने 2015 में वर्जीनिया में पुण्य पुंज शब्द पर कथा की थी, तो दूसरे दिन की कथा में सुख और दुख के बारे में संवाद किया था। आपने बताया कि समय आने पर बताएंगे कि संवाद कृष्ण भगवान और दुर्योधन की बेटी कृष्ण लक्ष्मणा के बीच में हुआ था। मैंने उस समय कहा होगा दुर्योधन की कृष्ण और लक्ष्मणा के बीच में वो संवाद हुआ था। दुख को सुख में कैसे परिवर्तित किया जाए और सुख को दुख में कैसे परिवर्तित किया जाए, ऐसा एक संवाद जो हुआ था उसके बारे में एक कुछ कहे। मूल वस्तु है दुख को सुख में परिवर्तित करने के, या सुख को दुख में परिवर्तित करने के कारण दो ही साधन है। दुख को यदि सुख में परिवर्तित करना है तो विवेक चाहिए, और सुख को दुख में परिवर्तित करना है तो अविवेक चाहिए। सीधी बात है, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में कह देने तो श्रोता को संतोष नहीं होता। इसलिए दुर्गसूत्र धड़ देकर कह दो। मेरे पास कोई कथा लेने आए ना तो मैं पहली बार में कह दूं कथा दी तो उसको आश्चर्य होता है, कथा मिल गई मिल गई, इन्हें तीन वर्ष हूं धक्का खवड़ाऊं तब उसको तसली, हाँ अब कथा मिली। कभी कभी जवाब बिल्कुल छोटा होता है। हम और आप विवेक के अभाव में, अविवेक के कारण सुख को दुख में परिवर्तित कर देते। घर में सब सुख हो, सानंदम सदनम सुतिया, अच्छी सुंदर पत्नी हो, संस्कारी पत्नी हो, घर आनंद पूर्ण हो, मिष्टान भोजन सब बनता हो घर में, प्रतिदिन शंकर की पूजा होती हो, आराधना होती हो, साधु संतों का आतिथ्य होता हो, उसको धन्यो गृहस्थाश्रम का ऐसा हो,
फिर भी अविवेक के कारण, मूढ़ता के कारण सुख को आप और हम दुख में परिवर्तित कर देते। बहुत लंबा जवाब है कृष्ण का, लेकिन लक्ष्मणा के प्रश्न का जवाब जो उस समय कृष्ण ने दिया कि बेटी एक ही बात है, विवेक और अविवेक ही उसका उपाय है। और कई लोग विवेक के कारण दुख को सुख में परिवर्तित कर देते, कितनी भी पीड़ा हो, दूसरों की पीड़ा के साथ तुलना करने लगते हैं विवेक से, शीर्णीर न्याय खोजने लगते हैं और लगे कि मेरे पर क्या दुख पड़ा। नरसिंह मेहता ने यही सिखाया है, सर्वदेवो ने जारे तेदियन समर्यांत भावट भांगी भूत मेहता नरसिंह स्वामी सुख दुख मन साथे घड़िया ताड़िया और दुख सापेक्ष है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। विवेक और अविवेक के कारण बाजी सुधरती है बिगड़ती है। सुख किसको कहते हो आप? बहुत उसका भी एक बहुत स्पष्ट जवाब है, मन के अनुकूल परिस्थिति का नाम सुख है। आपको अच्छा भोजन मिल जाए जो मन में इच्छा हो, अच्छी जगह मिल जाए जो मन में हो, अच्छा संग मिल जाए जो मन में हो, तो उस कभी दुख की शिकायत करोगे ही नहीं। सुख मन को अनुकूल परिस्थिति का नाम सुख है, मन के विपरीत परिस्थिति का नाम दुख है, और क्या है? शरीर बीमार होता है तो हर कोई करीब करीब कड़वी दवा पीते हैं, मन बीमार पड़ता है तब अस्तित्व कभी कभी दुख रूपी कड़वी दवा देते हैं, थोड़ा इंतजार करो आरोग्य के लिए शुभप्रद। एक परम ये अस्तित्व एक परम वैद है। और पीढ़ियों दो तीन पीढ़ी पहले, अरे दो पीढ़ी के पहले आप देखो ना, बाप दादा कितने दुखी थे और आप और हम कितने सुखी है, कल्पना तो करो, फिर भी भीख मांग रहे। अविवेक का अभाव और अविवेक की मजबूती हमें ये कराती, मुझे मेरी समझ में ये है। एक तो मुझे परवीन साकिब की गजल किसी ने दी, तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान वाह करती है, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुप्तगु तुझसे हुआ करती है, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है। आखिरी शेर पहली बार में पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर मैंने इस गजल तो कई बार सुनी, उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख, उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख
दिल का अहवाल कहा करती है, उसने देखा ही नहीं, वरना ये आँख व्यक्ति के दिल का अहवाल देती है, रिपोर्ट दे देती है कि दिल में क्या है। तो परवीन जी की एक चांद को देखती आंखें हैं ये अनेक, एक चांद को देखती आंखें हैं ये अनेक, बीज अषाढ़ी ईद है अनेक देखे एक, अषाढ़ी बीज पण छे ने पाछी ईद पण छे, पण जुड़ायो माणसे बदा में एक जुए, बीज अषाढ़ी ईद है अनेक देखे एक, अनेक देखे एक को जैसी जिसकी सोच, अनेक देखे एक को जैसी जिसकी सोच, बुद्ध पुरुष ये जानते क्या है एक अनेक, बुद्ध पुरुष वो जानते क्या है एक या अनेक, अल्लाह बुद्ध पुरुष ये जानते क्या है एक अनेक, अनेक केवल एक है एक में छिपे अनेक, अनेक केवल एक है एक में छिपे अनेक, अल्लाह वाहे गुरु अलख धनी अहलेक, एक चांद को देखती आंखें है ये अनेक। एक कविता, राम नाता है मूल में मानस सीता सत्र, मानस सीता सब में राम नाता, राम के नाते, राम नाता है मूल में मानस सीता सत्र, राम चरण में मैं बना केवल तुलसी पत्र, एक तुलसी पत्र डालकर भोजन करती थी सीते शरण जी, और आज 40 साल के बाद पूरा तुलसी का रामचरितमानस उसको कविता में उतार। राम नाता है मूल में मानस सीता सत्र, राम चरण में मैं बना केवल तुलसी पत्र, पंच क्लेश निवारिणी वंदन सीता मात, जगत माता है जानकी शत शत करु प्रणिपात, शिशु के सर पर मात का वरद हस्त है छत्र, राम चरण में मैं बना केवल तुलसी पत्र, जगदम्बा है जानकी शुष्क सती अवतार, शुष्क बुद्धि और जो श्री हुआ है, जगदम्बा है जानकी शुष्क सती अवतार, तर्क वितर्क में उलझता बुद्धिमान संसार, मूर्ख मोती छोड़ के सीप करे एकत्र, राम चरण में मैं बना केवल तुलसी पत्र, सीता रूप में प्रकट है मन का भीगा भाव, सीता रूप में प्रकट है मन का भीगा भाव, सुखी बुद्धि छोड़ो तो, सुखी शुष्क बुद्धि छोड़ो तो शरणागति है लाहव, राम कृपा है बरसती अत्र तत्र सर्वत्र, राम चरण में बना केवल तुलसी पत्र। दोनों कविश्री तुषार शुक्ल की कविताएं हैं, उसने व्यासपीठ को भेजी है तुषार भाई की, एक और भी उसने भेजी थी, कल भेजी थी, वो भी साथ साथ पढ़ लूं। ये अनुसंधान पंचाग्नि कथा का रहा। मैं तो कहूँ तुलसीन की कही ये अपनी क्या औकात है साब साब, मैं तो कहूँ तुलसीन की कही ये अपनी क्या औकात है साब, जूठन ये मेरे व्यास मुनि की मारी शू विसात से बाप, कथू कथू ने हजी कथू छू, कथू कथू ने हजी कथू छू, राम कथा हजी कहवानो, हरि अनंत हरि कथा अनंता प्रेम सदाई वहवानो, कथ्यू कशु ने तोई जुदू छे शब्द जड़ो शरचाप, बाप अपनी क्या औकात, ये बोलावे एम बोल तो परम कृपाणु छे हनुमंत, व्यासपीठ नी वेले बैठी मोरे बारे मास वसंत, गीता गीत हजी तो गावु बाकी, हजी तो आ आलाप से बाप।
आलाप से रियाज होती तो पाकू करी बाकी कथा शुरू क्या करी साहब मुरारी बापू कौन कहेगा कि मुरारी बापू ने कथा कही अभी तो मंगलाचरण साज बिठा रहे जैसे टागोर ने कहा था कि 6000 गीत लिखे लेकिन बुलावा आ गया अभी तो साज मिला रहा था तब तक तो बुलावा आ चुका है तो कथा की बातों को एक अंजलि के रूप में एक आहुति रूप तो ये कुछ मेरे पास जो बातें थी वो मैंने आपको बांट ली। सीता जो तत्व है बाप उसमें 9 प्रकार की शक्ति समाहित है उसको कहते हैं सीता। कईयों को कुछ आप कह सकते हैं लेकिन 9 प्रकार की शक्ति जिस मातृ शरीर में समाहित है उसी का ये 9 शक्ति का एक रूप उसकी एक रूपता का नाम है सीता। कई रूप में एकम सद को हमें देखना पड़ेगा। तो 9 प्रकार की शक्ति जैसे 9 दुर्गा होती है वैसे मां सीता 9 शक्ति का समुच्चय है। एक जगह ठहर जाना है एक शक्ति का नाम केवल नाम समझ लिया आप भी उस पर सोचिएगा। सीता की एक शक्ति का नाम है योग शक्ति। सीता परम योग शक्ति का नाम है। आपने तंत्र में जाना मत प्लीज रुचि हो तो जान लेना बाकी जाना मत तांत्रिक साधनाओं में जाना मत ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है लेकिन रुचि हो तो थोड़ा जानो। उसमें कुंडलिनी जो जागृति की बात है वो कुंडलिनी का एक पर्याय शब्द बताते हैं सीता। इस सीता को जागृत करना है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना वो सीता तत्व को प्रकट करने की एक तंत्र परंपरा की विधि है। सीता तत्व को उसी तत्व को मेरी व्यासपीठ योग शक्ति कहती है। सीता है योग शक्ति। जानकी का बैठना एक योगासन है। ये योगा दिन था जो लोग योगा करते हैं और हमारे यहाँ योग में कितने कितने 84 आसन आदि आदि कितने कितने आसन दुशासन न करूं सब आसन करूं दुशासन और दूसरा आश्वासन देव ये भी एक आसन है आश्वासन दूसरों को ढाढ़स देना और दुशासन नहीं करना। बाकी सीता निज पद कमर दिए मन राम चरण महलिन एक प्रकार का योगासन है। योग विद्या वाले उसी जानकी की छवि को देखकर पूरा योग प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या अर्थ है जानकी इस मुद्रा में बैठी है और क्रमशः रावण आया गया राक्षसियों ने जरा भय दिखाया त्रिजटा ने समझाया जानकी का दुखी होना उसी समय हनुमंत तत्व को नीचे उतरना पूरी योग प्रक्रिया है। जरा कठिन है सा मैं बोला नहीं हूं सोचा है बहुत ये पूरी प्रक्रिया सीता एक कुंडलिनी जागृति की एक प्रक्रिया बता रहे मानी गई कैसे बैठना किस तरह क्या क्या विघ्न आते हैं योग में जो विघ्न की प्रक्रिया आती है ये सब रावण का आना ये आना आदि 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 एक अकेली सीता रावण इतना समर्थ और सीता तिनका दिखा करके रावण का अपमान कर देती है और रावण स्वयं कहता है कि सीता ते मम कृत अपमान तूने मेरा अपमान किया है सीता। फिर भी रावण जानकी को मृत्युदंड अवधि दे देता है
लेकिन तत्क्षण मारता नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि जानकी ऋषि चेतना है, क्योंकि हर मोड़ पर रावण को खबर है कि के कौन तत्व प्रकट हुआ है। आज मैं अपहरित करके जिसको लाया हूँ उसके बारे में उसकी स्मृति आती है, इसलिए आदमी रुक जाता है। मंदोदरी क्यों रोक लेती है? खबरदार मारे तो, जो सीता पर कुछ हथियार उठाया तो मंदोदरी रोकती है। दोनों को स्मृति आती है कि सीता तत्व क्या है जो आज हमारे बाग में बंदी है। तो माँ जानकी, माँ सीता योग शक्ति है मेरी दृष्टि में, और है। सीता का तारों की ओर देखना, ऊपर चढ़ना, फिर हनुमान को नीचे, पूरी योगिक प्रक्रिया है साहब, पूरी अद्भुत प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब वहां शाक्त तंत्र और शिव तंत्र का मेल है। सीता शाक्त तंत्र के प्रयोग में है और हनुमान शिव तंत्र के प्रयोग में है, और कहीं बीच में शाक्त और शिव का मिलन होना है। और यह जब मिलन हो जाएगा तब वही शाक्त तत्व, शक्ति तत्व ज्यादा बलवान है, वही शाक्त तत्व शिव तत्व को वरदान देता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक। ऐसा साधक फिर खुद नहीं जलता, किसी की हत्या नहीं होती, केवल स्वर्णमयी ख्यालों को जलाकर निकल जाता है। ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा है मेरी समझ में। मैं उस पर एक कठिन विषय बोलता नहीं, उस पर समझने की पूरी कोशिश है। ये आरोह अवरोहण है, चेतना का उर्ध्वीकरण और शिव तत्व का चेतना के मिलन के लिए नीचे आना। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है साहब। मैं कभी बोलूंगा ये सब थोड़ी आध्यात्मिक ज्यादा चर्चा में अब इतने सालों से कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैंने कथानक सुनाते 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 मेरे श्रोताओं को थोड़े तैयार कर दिए हैं कि इस बात को वो रिसीव करें। मैं कोई मूर्ख आदमी, मूर्ख तो छू, मूर्ख न हो तो हाँ काम कौन करे यार। अभी हमारे मुंबई में एक कार्यक्रम था तो मैं था, तो मुझे उसमें सब काम करना था। तो हमारे एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े नेता, नॉट नेता बट अभिनेता, जो बहुत बड़े फेमस है, मेरे परम स्नेही, मेरे पर बहुत आदर रखते हैं, और उसने अपना प्रवचन किया तो उसने अथर्व शीर्ष का पाठ किया कि हमारी पूरी परंपरा में बापू वैदिक पाठ की। मैं बहुत खुश हुआ, इतना सुंदर उसने संस्कृत का पाठ किया, मैं राजी हो गया। अथर्व शीर्ष गणपति का स्तोत्र, अथर्ववेदी एक भाग है जिसको अथर्व शीर्ष कहते हैं। आजकल टीवी में भी आप देखिए अथर्व शीर्ष के बारे में बहुत चमत्कार की बातें आती। मैं तो टीवी देखता नहीं, लेकिन कभी घड़ी मिलाने के लिए कहूँ क्या, कोई ना कोई बावो तो होए। बावाओ ने जेटलो टीवी थयो छे, क्या बात, टीवी नॉट टीवी। खोलो त्या मुरारी बापू, खोलो त्या फलाणी, કઈ નો મારી યારો રામદેવ બાબા, અહીંયા હું બોલતો રામદેવ બાબા પેટ ફેરવતા, દોનો એક સાથે તુમ આજ મેરે સંગ હસલો। સંગ છદ્વં સંગ વદ છદ્વં સંભો મમાનાસિ જાનતા દેવાભાગમ यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। वेद बहुत सुंदर बोले पूरा, वो अपना आत्मकथन, उसके जीवन में जो आध्यात्मिक प्रगति, तो बोलते बोलते उसका इरादा तो बहुत प्यारा इरादा था उसको, मुझे तो ऐसे ही
मुझे मुझ पर कोई उसने वो नहीं किया, लेकिन उसने बोलते बोलते कहा कि बापू मेरी भी इच्छा थी कि मैं अभी तो ये टीवी में फिल्म में अभिनेता बन गया, लेकिन मेरी इच्छा अखबारों में लिखता हूँ कॉलम लिखता हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि बापू कथाकार है वैसे मैं भी दुकान करूँ। ये मेरी दुकान है। अच्छे भाव में इसको जिसने धंधा बना लिया हो उसी के लिए उसने कहा हो, लेकिन उसने बोल दिया एकदम कि मेरी भी एक बार इच्छा हुई कि मैं कथाकार बनूं और ये दुकान करूं। तो मैंने देखकर मुस्कुरा लिया, बहुत अच्छा, मुझे तो आखिर में बोलना होता है ना। और उसमें कोई गलत बात तो नहीं थी, हम लोगों ने धर्म को धंधा बना ही तो लिया। कोई अपवाद हो ये ईश्वर परमात्मा की कृपा, बाकी तथाकथित धर्मावलंबियों ने दुकान ही तो बना ली है, वरना ये क्यों होता है। ये सही बात थी। मैंने भी कहा कि बहुत सुंदर निवेदन किया, बहुत सुंदर, लेकिन ये दुकान है, लेकिन यदि उसको आप दुकान कहे तो मैंने तो हमेशा इस दुकान में घाटा ही किया, कभी मुनाफा हुआ ही नहीं, मैंने तो घाटा ही किया। घाटना गोपी चंदन खर्चा से शायद, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया घाटे का। मैंने कहा आपने नहीं किया अच्छा हुआ, वरना मेरी तरह घाटे का सौदा कर, आप जो कर रहे हैं उसी में ही फायदा है। धर्म को हमने दुकान, उसका बात सही थी, लेकिन सबको लागू ना भी हो। तो मैं कथा कहते कहते कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बापू अब बिल्कुल कथा सूत्रात्मक हो चुकी है, कोई पात्र कोई प्रसंग, लेकिन मेरा इसके पीछे एक 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 एक, एक बात छिपी है मेरे इसके, कि मुझे लगता है कि इतने सालों से बोल बोल करके आप अब थोड़े रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी चर्चा। पांच मण दूध को दही से जमाओ छाछ से, सीताभा से पांच मण मक्खन नहीं निकलता, एक पिंडा ही मक्खन निकलता है। अब ये हमारा मंथन है नवनीत निर्माण करने का, नवनीत पैदा हो। मैं आपको नवनीत दे देता हूं, फिर यानी तावजोतम है, इस नवनीत मक्खन को ले जा गरम करो, फिर उसका कचरा बिलक करो और शुद्ध ब्रह्म रूप घी में अपनी अत्पदीपो भव, अपनी आत्म ज्योत प्रगटाओ। यही तो ज्ञान दीप है मक्खन, क्योंकि ये कामदुर्गा गाय का दूध है, उसको जमा जमा करके मक्खन दिया। तो मैं थोड़ा सोचता रहता हूं, तो ये जो जान की योग शक्ति है उसमें पूरी प्रक्रिया है, योग की पूरी प्रक्रिया, लेकिन जरा कठिन है। और कठिन मैं बोल तो सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, और अनुभव किए बिना बोलना जरा थकावट लगेगी, श्रम लगेगा, अनुभव नहीं किया और क्या बोलना, केवल। अभी हमने मुंबई में एक किताब का विमोचन किया, हूं ईश्वर मां मानू छू कारण के किताब का नाम है, उसमें सभी बड़े बड़े लेखकों ने अपने अपने अभिप्राय दिए, हूँ ईश्वर मां मानू छू कारण के, तो सबने लिख दिए। मुझे भी कहा कि बापू, मैंने कहा मुझे तो लिखना नहीं आता, कुछ शुभकामना के लिए लिख दो, तो मैंने लिख दिया मेरे हिसाब से, फिर उसी का विमोचन मुझे ही करना था। तो मैंने कहा जो
जो प्रकाशक थे संस्था को कहा कि हूँ ईश्वर में मानू छू कारण के हवे एक बीजू पुस्तक बार पाड़ो कि हूँ ईश्वर में जाणू छू कारण के एक दूसरा किताब बार वामन के तीन कदम फेरो अने एमाई जे जानता हो एने जामन तो खोटा न घुसी जाए लेख ले जिसने कुछ जाना हो वही लिखे जिसने कुछ महसूस किया हो जिसने थोड़ी झलक पाई हो जिसने आहट सुनी हो वही लिख केवल शब्दार्थ शब्द का आडंबर न उसी को गीता पर हाथ रखवा कर लिख लिखवाना हूँ ईश्वर में जाणू छू कारण के ये मेरा सुझाव था फिर कहूँ पची त्रीजू एक किताब बार के हूँ ईश्वर ने माणू छू कारण के तीसरा कदम और संस्था ने उठा लिया कि बापू हम करेंगे ये एक दौर इमेज प्रकाशन का फंक्शन था केवल मानना पर्याप्त नहीं है साहब जानना चाहिए जथा भूमि सब बीज मय नखत निवास आकाश राम नाम सब धर्म मय जानत तुलसीदास तुलसी का मैं जानता हूं मानना ऊपर का स्तर है जरूर मानना अच्छी बात है स्नेहल परमार आपड़ो बगसरा वालो स्नेहल स्नेही परमार स्नेही परमार एने न लख्यो कि जाड़वानी नीचे 50 वर्ष थी रांदलनी देरी छे पण जाड़वाने हजी फल नथी आव्यु एतो रांदल तेड़ाई पछी आपणे कहीए के खोळानो खुंदनार दे जो रन्ना दे मानने से क्या जानना महत्व का है प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना शंकर कहे प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है ऐसा मैं मानता हूं मानता मानता नहीं जाना जानत प्रीत रीत रघुराई मैं प्रीत में मानता हूं नहीं प्रीत जानता हूं और आखिर स्टेज है मैं परमात्मा को मानता हूं मैं उन परमात्मा ने भोग बूझू मैं उसको भोगता हूं सीता को मैं इसीलिए योग शक्ति कहता कि सीता अयोनिजा है एक नाम उसका अयोनिजा सीता भोग का फल नहीं है सीता योग का फल है किसी संसारी के भोग का परिणाम जानकी नहीं है जानकी है योग शक्ति और योग का तो सीता में 9 प्रकार की शक्ति समाहित है एक योग शक्ति दूसरी सीता में शक्ति है ब्रह्म शक्ति जिसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति कृष्णा अवतार में राधा राम अवतार में सीता तो दूसरी शक्ति है ये ब्रह्म शक्ति सीता तीसरी शक्ति जैसे योग शक्ति है ऐसे तीसरी शक्ति है सीता में एक तीसरी शक्ति गजब वियोग शक्ति वियोग के लिए भी शक्ति चाहिए वियोग पचाना जैसे योग पचाना मुश्किल वैसे वियोग पचाना भी इतना ही मुश्किल योग पचाना शायद आसान भी हो जाए लेकिन वियोग शक्ति सीता वियोग शक्ति है परिवार का वियोग एक तो कन्या ब्याहती है तो वात्सल्य से भरा परिवार का वियोग फिर जानकी तो ससुराल में आई तो पूरा ससुराल और राज छोड़ना पड़ा वो वियोग फिर जानकी का अपहरण फिर उसका वियोग हुआ फिर जो यद्यपि तुलसी नहीं लिखते हैं कई लोग स्वीकारते भी नहीं है कि सीता का दूसरी बार निष्कासन हुआ ये वियोग सीता वियोग शक्ति वियोग एक बहुत प्रखर शक्ति है बहुत ताकत है वियोग खींच लाती है सामने वाले तत्व को वियोग तो है योग शक्ति ब्रह्म शक्ति वियोग शक्ति और सीता तीसरी शक्ति इच्छा शक्ति सीता की इच्छा शक्ति गजब है हाँ थोड़ी डावाडोल वृत्ति के रूप में डावाडोल होती है लेकिन इच्छा शक्ति गजब है उसकी और थोड़ी डावाडोल होती थी तो इच्छा शक्ति मजबूत कर दी माँ भवानी ने मन जा ही राचे वो मिले ही सोवर
सहज सुंदर, उसकी जो इच्छा थी, सीता है हमारी इच्छा शक्ति। पांचवी शक्ति का नाम है क्रिया शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये है क्रिया शक्ति, ये पांचवी। छठी शक्ति मेरी समझ में है ज्ञान शक्ति, सीता ज्ञान शक्ति है, परम ज्ञान का स्वरूप है मां जानकी, ज्ञान शक्ति। सातवीं शक्ति है, इसे मैंने कहा ना कि मैं सीता के एक विवेक रूप को देखना चाहता हूं, एक विचार के रूप में। सातवीं शक्ति है सीता विवेक शक्ति। कितने दृष्टांत दूं, चित्रकूट के वन में माता पिता को मिलने के लिए रात को सीता जनक की शिविर पर गए, उसका विवेक शक्ति तो देखो। थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा, मेरी सास मेरी माँ कौशल्या यहाँ हो, तब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे हमारी शिविर में कुटिया पर। यह सीता विवेक शक्ति। सीता की माता का नाम आपको पता है सुनैना। सीता तत्व प्रकट होता है सुदृष्टि से, सुनैना मीना सुदृष्टिकोण, एक पावन दृष्टिकोण जानकी तत्व को प्रकट करता है। उसकी मां है सुनैना, एक सुंदर दृष्टि, इसमें सीता तत्व, इसमें से विवेक तत्व प्रकट हो। तो सीता है अविवेक शक्ति, सीता क्रिया शक्ति, सीता इच्छा शक्ति। आठवीं शक्ति का नाम सीता का है विद्या शक्ति, तमाम विद्या का भंडार है सीता। और नौवीं, मुझे सबसे उसकी नौवीं शक्ति ज्यादा प्रिय है, और वो है सीता है लोक शक्ति, जान की लोक शक्ति है, लोगों की मां है सीता। हिंदुस्तान में अब तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर दिखते हैं, और ससीता, सीता लोक शक्ति, लोगों का आधार है, क्योंकि निकली है लोक क्रिया से। लोक क्रिया है खेती किसानी, इससे सीता तत्व प्रकट हुआ है। इसीलिए नवमी शक्ति का नाम है लोक शक्ति। ये नवो शक्ति का एक समुच्चय रूप वो है हमारा इस कथा का विषय मानस सीता। तो ऐसी सीता का दर्शन हम और आप मानस के आधार पर, अन्य ग्रंथों के आधार पर, संतों की बातों के आधार पर, महसूसी के आधार पर हम और आप संवाद के सुर में कर रहे हैं मानस सीता। Oh,
पिता भी जगत जननी भवानी भी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी ये भी और यह भेजने वाली भी जननी ही है सुनैना गिरिजा जन जन सुनैना बिल्कुल लौकिक पात्र के लिए गिन लो तो विषयी एक माँ है विषयी जानकी साधक है और भवानी की मूर्ति जो भूलती है वो सिद्ध है। तीन जननी का ये त्रिवेणी संगम है जो इस कथा की भूमिका में हम रख रहे हैं। आगे की बात कल पर ले जा रहा हूं लेकिन कथा का थोड़ा क्रम लूं इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन श्री राधे। Yeah.
कहो कहाँ लगी नाम बड़ा राम सकल नाम। कल कथा के क्रम में हमने हनुमंत वंदना की, उसके बाद में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल पुनिमन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नायक। भगत पति भंजन सुखराय गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न बंदौ सीता राम पद पहले सीता जी की वंदना, फिर राम जी की वंदना, फिर दोनों का अभिन्न रूप प्रस्तुत करते हुए तुलसी ने वंदना की। उसके बाद पूरा प्रकरण आप जानते हैं, हर एक कथा में हम उसको थोड़ा स्पर्श करते हैं, वो है नाम वंदना, नाम महिमा, परमात्मा का नाम उसकी महिमा अतुलनीय है। एक कलयुग है, हम और आप जैसे लोग कोई विशेष रूप में साधना नहीं कर पाएंगे। लोग ध्यान करते हैं प्रणाम, लोग यज्ञ याग करते हैं बहुत प्रणाम, समय और समझ है जिसके पास वो घंटों तक पूजा अर्चा करते हैं प्रणम्य, लेकिन हमारे जैसे लोग केवल नाम का आधार बनाए तुलसी कहते हैं। कलयुग की प्रधान साधना है नाम संकीर्तन, नाम सुमिरन अथवा नाम जप। चलो और भूरी शह वर्णन, भगवान राम प्रत्यक्ष रूप में त्रेता युग में थे, आज कलयुग में भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उनका नाम हमारी जिह्वा पर है। और उस समय राम ने जो जो लीलाएं की वो आज जो साधक महसूस करते हैं उसको पता है कि उसका नाम वही सब लीला हमारे अंतर जगत में कर रही है। राम ने अहल्या को तारा, आज उसका नाम हमारी जड़मती में चेतना का संचार करता है। भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा अपनी लीला के समय, आज हमारे अहंकार को, अहंकार रूपी धनुष को नाम तोड़ देता है। भगवान राम ने बंदर भालुओं को बटोर कर इकट्ठे करके सेतु बनाया, आज कलयुग में नाम भवसागर इतना सुखा देता है, इतना हमारे लिए गोपद युव कर देता है कि आदमी परिश्रम न करे पैदल चलकर पार हो जाए। उस समय भगवान राम ने कई लोगों को नवाजा, गरीबों को शरण में रखा, कलयुग में उसका नाम गरीब नवाज बन करके धन्य करते हैं। तुलसी जी का मत है, सभी संतों का मत है, इवन शास्त्रों का भी मत है कि कलयुग में एकमात्र आधार हम जैसों के लिए नाम है। यद्यपि तुलसी ने तो कह दिया चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेद में नाम की महिमा है। अब कहेंगे कि कहां है नाम,
पहले तो नाम ही बोलना पड़ेगा कि ये वेद कौन है, बोले सामवेद, नाम से ही शुरू होगा। ये वेद कौन है, बोले अथर्ववेद। ये वेद कौन है, बोले ऋग्वेद। ये कौन है, फला फला फला, नाम से ही शुरू। तो चारों वेद में भी नाम की प्रतिष्ठा और चारों युग में नाम की प्रतिष्ठा। सतयुग में लोग ध्यान से परम को पाते थे, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन अर्चन, कलयुग में नाम से। मैं तो उसको उल्टे रूप में भी आपके सामने पेश करूं, तो आप जब ध्यान कर, यदि ध्यान में आपकी रुचि है, ध्यान से आपको प्रसन्नता बढ़ती है, चित्त शुद्धि होती है, तो आप ध्यान करो। और जब ध्यान करो तब सतयुग में ध्यान किया जाता था ऐसा नहीं, जब आप ध्यान करो तब सतयुग है ऐसा सोचो। अब सतयुग और कलयुग में बहुत फासला है, बहुत लंबा अंतर है, शताब्दियों का, युगों का फासला है। मैं तो इसी रूप में समझने की कोशिश कर, कोई ध्यान करे तो समझना ये सतयुग में जी रहा है बस। कोई यज्ञ करे तो समझना ये आदमी भले हमारे साथ हो लेकिन है त्रेता की चेतना। कोई आदमी पूजा अर्चा करता है तो समझो ये द्वापर की चेतना है। और कोई केवल नाम जपे तो समझना ये कली की चेतना है। आप कहेंगे कि कली की चेतना इतनी प्रतिष्ठा, हाँ तुलसी ने कहा कली युग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान कोई ऐसा युग नहीं। किसी युग में इतने मात्रा में वैज्ञानिक तरक्की शायद हुई है, खबर नहीं। हर एक संदर्भ में देखो कलयुग बहुत महान है। लोग कहते हैं बहुत बुराइयां भी बहुत बढ़ गई हैं, ये सब ठीक है, बुराइयां बढ़ रही हैं, लेकिन सूर्योदय पहले का अंधेरा है। अभी तो कली है, खिलेगी विकसेगी। और कली जो कमल की कली होती है, मूल में तो कीचड़ होता है ना, पूरा कीचड़ एक बार होने दो, पूरा कलयुग भर जाने दो, उसी में ही सतयुग का कमल विकसित होगा। और उसका प्रधान साधन है राम नाम। कोई भी नाम लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी नाम, अल्लाह ईश्वर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नाम जपे, आपकी रुचि में जो नाम बैठे बस। मंत्र में विधि विधान लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल मामला है, नाम जपो बस। तो कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुन गाई। बड़ा प्यारा काल है। स्वर्ग में पहले तो एक तो कथा होती नहीं, स्वर्ग में कथा नहीं है, एक पक्की बात है ही नहीं, इसलिए मुझे जाना नहीं। कथा कोई कराएगा नहीं तो जाकर करे क्या, अब ये स्वभाव हो गया, इस जीवन हो गया, उसके बिना करे भी क्या। स्वर्ग में जाए और कोई कथा ना कराए तो इंद्र बेचारा फ्री नहीं है इधर उधर की करने में, वो क्या, वो संपन्न आदमी है जरूर कथा करा सकता है। हाथी पर पोधी, अपना हाथी जो खास हाथी है इंद्र का, श्वेत रंग का, उस पर पोथी लेकर पोथी यात्रा निकलवा सकता है, लेकिन आदमी फ्री नहीं है। ऋषि मुनियों की समाधि तुड़वानी है, अप्सराओं को भेजना है। और ओशो तो कहते हैं कि ऋषि मुनि भी ऐसे थे कि 1000 की तपस्या करके आंख खोलते थे कि अप्सरा आई कि नहीं, ये ओशो का नहीं, खोज उसी की थी कि अभी तक मेनका क्यों नहीं आई, अभी तक उर्वशी क्यों नहीं आई। स्वर्ग में कथा नहीं है, स्वर्ग में ईर्ष्या है, स्वर्ग में स्पर्धा है, वहां क्यों जाए। और कालों में कथा होती तो जंगलों में होती थी, पेड़ों के नीचे, आज कथा बड़े बड़े हॉल में होती है। कितना कितना फायदा हो गया है यार,
तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है, बड़ा प्यारा युग है। विवेक हो तो बहुत सुंदर युग है, अविवेक हो तो सतयुग को भी आप कलयुग बना दोगे। विवेक है तो कली को भी सतयुग हम बना सकते हैं। केवल नाम से परमात्म तत्व का अनुभव कलयुग की देन है। तो तुलसी कहते हैं, नहीं काली कर मना भगनी कहो कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक बर्तन सब न्यारे भये सब सब। लेकिन सबसे महिमावंत यदि कोई नाम की इस विश्व में महिमा है तो राम नाम की ही। इसका मतलब कोई ये ना अन्यथा न लेके और कोई नाम। लेकिन आप सामान्य रीत से देखो कि कोई भी बोलेगा तो क्या कहे,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम राम। मिलते हैं राम राम, जाते हैं राम राम। हम तो जाते हैं अपने गांव सबके राम राम राम। राज कपूर राम राम राम, आखिरी विदाई राम राम बोलो, राम बोलो। बहुत बहुत व्यापक अर्थ में राम नाम रहा। कृष्ण नाम भी सत्य है, शिव नाम भी सत्य है, हरि नाम भी सत्य, लेकिन उपयोग कम होता है। कृष्ण नाम सत्य है ऐसा लोग कम बोलते, इसका मतलब अन्यथा ना करें प्लीज, ना कोई गलत अर्थ ना करें। बाकी बहुत अनादि काल से आदि अनादि राम नाम की महिमा है, और सरल है राम राम राम। और मरा मरा कहने वाला भी तैर गया तो प्रभु का नाम एक कलयुग का प्रधान, सरल, सफल, सबके लिए सुलभ एक साधन है। जब भी अवसर मिले थोड़ा भी श्रीमन्नारायण लक्ष्मण और कृष्ण की बात पूछी तो मेरी स्मृति में उसका एक छोटा सा संवाद उभर आ रहा है। वो मंजर तो मैंने कई बार आपके सामने पेश किया है। 125 साल के आसपास योगेश्वर कृष्ण की उम्र, शरीर तो शरीर का काम करता है, मुझे वर्णन करना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कृष्ण का बुढ़ापा हम सह नहीं सकते कि कृष्ण बूढ़े हैं। इसलिए आज तक 126 साल, 126 के आसपास कृष्ण की आयु रही। क्या दाढ़ी मूछ नहीं होगी उसको? लेकिन भारतीयों ने सोचा कि नहीं, वो हमारे लिए एक ही रूप, वो ही एक विश्व विमोहित उसका स्मित है, उसी में हमने कृष्ण को देखा। और आखिरी समय में उसकी सेवा में पुत्र वधु लक्ष्मणा, जो दुर्योधन की बेटी है, रिश्ते नित्य के ताने बाने तो देखो यार, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, भगवान कृष्ण की पुत्र वधु, और ज्यादा से ज्यादा सेवा में वो लक्ष्मणा रही है भगवान कृष्ण की सेवा। जब दीप बुझने वाला होता है अथवा तो चेतना नष्ट तो नहीं होती, विराम लेती है, कभी चेतना बुझती नहीं, मुरझाती नहीं, नष्ट नहीं होती, चेतना विराम लेती है। ऐसे अवसर में जैसे भीष्म की चेतना विराम ले रही थी तो कृष्ण ने आग्रह किया था पांडवों को कि जाओ और पूछ लो, दुनिया भर का ज्ञान निकालो भीष्म से, अवसर मत चूकना, पूछ लो जा जाकर। हमारे यहां पूछने की बड़ी महिमा रही, पूछो पूछो, जिज्ञासा करो। तो यहां लक्ष्मणा को भी होता है कि मैं पिता को, कितनी भाग्यशाली, कृष्ण है नो ससरो था यार, तुम्हें कल्पना तो जो कोई परम व्यक्ति किसी का ससरा हो वो कितने परम भाग्य की बात। वो जो लक्ष्मणा जब बोलती होगी कि मेरे ससुर योगेश्वर कृष्ण है, तब आंखें भर आती होगी,
મોઢું ભરાઈ જતું હશે ગુજરાતીમાં. કહો તો મેરા સસુર હૈ ગીતા કા ગાયક, એ મેરા સસુર. तो बहुत सी चीज उसको लगा कि भगवान कृष्ण से मैं निकाल लूं सब जो जो उसके पास से मैं पूछ पूछ करके निकाल. एक प्रश्न लक्ष्मणा ने पूछा है, प्रभु हाँ बेटा. आप देखिए, ये पुत्र वधु और ससुरा बैठे बैठे बात करते होंगे. अध्यात्म केवल आश्रम में ही पलता नहीं है, संसार में भी पलता है. आश्रम उसके उसके कोई विशेष भूमि की जरूरत नहीं, भूमिका की जरूरत है. समय की भी जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है. स्थान विशेष की कोई महिमा नहीं, समझ विशेष की महिमा है. मैं कभी सुनाऊंगा कितने कितने प्रश्न पूछ रही है पुत्र वधू. જેનો સસરો બહુ મહાન હોય ને એની પુત્ર વધુ એ તો સમય મળે ને ત્યારે એને એને પૂછી પૂછીને અધ્યાત્મ કાઢવું જોઈએ કે પિતાજી બતાવો ને, દાદા બતાવો ને આનો શું અર્થ થાય. તમે બુઝુર્ગોને પૂછો. ઘર મેં કલહ નહીં હોગા, ક્લેશ નહીં હોગા, લેકિન હમ અપને ભાગ્ય કો ઠુકરા દે. ભાગ્ય और फिर नरसिंह मेहता की वो नागण मुझे याद आए. नरसिंह मेहता की जो नागण है कि हमें अपराधी काई न समझा न ओळख्या भगवंत ने. और कृष्ण नो जवाब तो जो नथी नागण हूं मार्ग भूल. कृष्ण ही कह सकता है मैं मार्ग नहीं भूला हूं, मैं मार्ग देने वाला हूं. हट जाता हूं, मार्ग उस रूप में देता हूं और नए नए मार्ग भी देता हूं. नथी नागण हूं मार्ग भूलो अने नथी मारा वैरी वळावी. मारे कोई वैरी होय, सम शत्रु च मित्र तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विपरीत. यह पूरा पूरो संवाद अद्भुत है. नथी नागण हूं मार्ग भूल्यो, नथी मारा वैरी होय तो वळावे ना, मेरा कोई दुश्मन नहीं. नथी मारा वैरी ए वळाव्यो वळाव्यो मथुरा नगर मां जुगटू रमता नागनु शीष आहार्यो. बड़ा सुंदर नरसिंह तो नरसिंह. મૂછ મરડી નાગણે નાગ જગાડ્યો, ઉઠો રે ભગવંત આંગણે બાળક આવ્યો. ઉઠો 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 ઉઠો. નાગરો નાગરો હૈ, મેં તો મેં તો હૈ. મહેતા કા વિકલ્પ નહીં હૈ, નરસિંહ મહેતા કા વિકલ્પ નહીં. અદભુત આદમી. થાળ ભરી શગમોતીરે અને નાગણે હરીને વધાયો. નરસૈયાના નાથ પાસે થી નાગણે નાગ ને છોડા. साहित्य में लिखा है कि खादेत क्षुधार्ता भुजंगी स्वमंडम. सर्पिणी भूखी होती है तो अपने खुद के बच्चे को खा जाती है. और ये मन बाढ़ हत्या लाग से
देखो कृष्ण के संसर्ग से विषाक्त नागिनी का चित्त बदलता है। जो अपने अंडों को खा जाती है उसको बाल हत्या में कोई, उसकी बाल हत्या सहज है, लेकिन कहती है मन बाल हत्या लाग से। और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति है, मुझे ज्यादा प्रेम कि हमें अपराधी काय न समझा न ओळख्या भगवान, हमें अपराधी समझ नहीं पाए, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो लक्ष्मणा प्रभु से अवसर मिलते समय कोई न कोई जिज्ञासा कर लेती है, बहुत सी जिज्ञासा, कभी उसका विस्तार से व्याख्यान करूंगा अवसर मिला तो। लेकिन आखिर ये नाम महिमा चल रहा, लक्ष्मणा ने पूछा कि भगवान पिता बोलना ऐसा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन लगता है कि आप लीला संकेल रहे, और आपके जाने के बाद हमें बताइए हम किसके नाम का कीर्तन करें। ये प्रश्न पूछा, कौन नाम ले, आपका नाम ले तो हमारा और आपका तो लौकिक रिश्ता है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा, कौन नाम हम जपें, कौन नाम का हम संकीर्तन करें। कुछ समय दो तीन तकिए का टेका लेकर बैठा योगेश्वर, उन्होंने विचार तो मैंने बताया कि एक कृष्ण ने आंखों एक क्या जिंदगी देखी, क्या देखा है इस आदमी। तो वो कहते हैं लक्ष्मणा बेटी मैं जिसका नाम जपता हूं ना उसी का नाम तुम जपो। तो पूछती है भगवान आप किसका नाम जपते हैं, तब कृष्ण के मुख से जवाब निकला मैं राधा का नाम जपता हूं, तू भी मेरे जाने के बाद श्री राधे श्री राधे श्री राधे, क्योंकि हम दो नहीं है लक्ष्मणा, मैं ब्रह्म हूं, ये मेरी आह्लादिनी शक्ति है। रुक्मिणी का नाम नहीं कहा, श्री राधे तुम उसका नाम जपना है क्योंकि मैं उसी नाम जपता। तो कृष्ण के मुख से भी आखिर में नाम की महिमा ही निकलती है कि नाम जपो। ये सब बोलना व्याख्या करना ठीक है, आनंद है, समझ परिपक्व होती है, अच्छा समय बीतता है, किसी को कोई शब्द लग जाए और जागृति हो जाए तो भगवत कृपा, बाकी मूल तो श्री राधे ए हरि ए हरि ए हरि। आप सोचो कि आदमी पीड़ा से हरि नाम ले तो कहते हैं पीड़ा मिटती है, प्रसन्नता से हरि नाम ले तो प्रसन्नता आसमां को छूती है। हम क्यों कुंता के विचार कुंता के हैं, द्वापर नहीं है, कलयुग है। कुंता कहती है मुझ पर बहुत विपत्ति पड़ो ताकि मैं कृष्ण का नाम लूं। आज हम लोग ये कहे कि प्रभु हमें इतनी प्रसन्नता दे कि हम अधिक प्रसन्नता से तेरा नाम लें। अब पीड़ क्या, प्रसन्नता से। आंसू पीड़ा के भी होते हैं, आंसू प्रसन्नता के भी होते हैं। हे हरि हे हरि। और मैं तो कुछ कथाओं से बल देकर कि मैं बोलता हूं अभी बोलता रहूंगा, लेकिन मेरा आखिरी बात तो ये की है प्रभु का नाम हरि का, इसलिए
हरे रामा रामा राम सीता राम आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर संवाद करेंगे भाव से। राज भगवान प्रिय
सिर कर विरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण सौदा गवन के वटिन अनुरागा सुन सरी वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्त सचिवा गवन नगर मुख मरना भर भागवन प्रेम कन्हैया सुखपुर वासी भरत रघुपति गोविंद समुदाय ने पाप का अवध किया प्रभु पंचपति कृत माता भक्ति सकल माया सीता कर हरना सीता खोज सकल दिस गाए विवर प्रवेश किन जय भाति कपन मोहि विलास सब कथा समीर कुमारा नर प्रवेश कन्हैया रावण हित बोधि सब जन रघुराई बैरी की कुशल Oh,
सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, आज शाम 5:30 बजे, फिर से मैं समय दोहराऊं, आज शाम 5:30 बजे यहाँ पर एक विद्वान का वक्तव्य है और सितार वादन का कार्यक्रम है। 5:30 बजे आप सब यहाँ पर सादर निमंत्रित है। जय सियाराम। हरि ओम।
देवानो यत सदमिद हृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदि मा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् पगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यो तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् उषा नूयता वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदते सुजग्मय सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम ऑडियो वीडियो कैसेट सीडीज डीवीडीज अने प्रकाशन साहित्य माटे संपर्क करो संगीत नी दुनिया परिवार महुआ ईमेल sangeetnidunia@yahoo.com वेबसाइट www.murari-bapu.org सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा संगीत नी दुनिया प्रस्तुत करते हैं अब मुरारी बापू द्वारा की गई सभी राम कथा यूएसबी पेन ड्राइव में उपलब्ध होगी ऑनलाइन व्हाट्सएप ऑर्डर मैसेज करें 9825471601 पर आज ही अपना ऑर्डर व्हाट्सएप कीजिए संकीर्तन धुन भजन चौपाई की एक पेन ड्राइव जिसमें 800 से ज्यादा संकीर्तन आज ही अपना ऑर्डर करें मुरारी बापू द्वारा की गई सत्य प्रेम एवं करुणा की तीन कथाएं एक पेन ड्राइव में उपलब्ध मानस सत्य जो धर्मशाला में हुई थी मानस प्रेम जो नाथ द्वारा में हुई थी मानस करुणा जो जापान हिरोशिमा में हुई थी ऑनलाइन ऑर्डर करें 9825471601 पर ऑनलाइन व्हाट्सएप और गुजराती चार कथाएं एक पेन ड्राइव में उपलब्ध मानस गंगा सती आश्रम कथा मानस काग ऋषि मजाधर काग धाम कथा मानस रामकृष्ण हरि सूरत कथा मानस चामुंडा चोटीला धाम कथा और मानस मीरा भाग एक और दो मेड़ता और चित्तौड़ कथा मानस रामदेव पीर रामदेवरा राजस्थान कथा यहाँ तीन कथाएं एक पेन ड्राइव में मंगवाइए ऑर्डर करें ऑनलाइन संगीतनी दुनिया व्हाट्सएप नंबर 9825471601